हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी लास्ट क्लास है बेसिकली, जिसके अंदर पिछले दो क्लासेस के अंदर, तो टू टू आवर्स की जो पिछले दो क्लासेस हमने ली थी, उसके अंदर वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट ऑफ आर पेपर. ठीक है, जो आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है AECC का. तो अगर आज का आपका लास्ट दिन है, तो आई वुड सजेस्ट कि हम सिर्फ 1 घंटे की क्लास लें और 1 घंटा वी वुड कीप फॉर डाउट सेशंस. ठीक है, आपको जो भी डाउट्स हैं वो आप अभी पूछ सकते हो मुझसे, तो आपके जल्दी डाउट्स क्लियर होंगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए. ठीक है, और अगर किसी को डाउट है कि ये कोर्स क्यों है या इंग्लिश ए क्या है, इंग्लिश ए बी सी ये सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का आपका अलग पेपर आता है, इंग्लिश कम्युनिकेशन का. ठीक है, तो इस पेपर के अंदर हम बेसिकली आज हम क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी राइटिंग स्किल्स के फॉर्मेट ब्रशअप करेंगे, जो आपको खुद भी करने हैं अपने लिए. ठीक है, इसलिए जो मैंने प्रीवियस आपको PDFs भेजी है, उसके अंदर फर्स्ट PDF में आपका सिलेबस है. ठीक है, आप उस सिलेबस के अंदर से जितने भी राइटिंग स्किल्स की चीज़ें हैं, वो सारी प्रिपेयर करनी है. और अगर नहीं कर पाते हो, तो जो मैं आपको एक और आज सैम्पल पेपर भेजूंगी, तो दो प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे, आप सिर्फ उनको सॉल्व करिए. ठीक है, राइटिंग सेक्शन के अंदर से. ठीक है, तो आपका राइटिंग सेक्शन ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा. ठीक है, अब राइटिंग स्किल्स के अंदर से हम ऑलरेडी डायलॉग एंड मोनोलॉग कर चुके हैं. डायलॉग्स के ऊपर मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, मोनोलॉग पे नहीं आते. ठीक है, तो हमने कॉन्वर्जेशंस करी नॉर्मल, वो कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान दिया है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट बेसिकली. ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे विद अ क्विक रिकैप कि हमने पिछले दो क्लासेस के अंदर क्या क्या किया था, क्या क्या कवर किया है, और उसके अंदर हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो वी स्टार्टेड विद कम्युनिकेशन. चैप्टर वन था हमारा कि एक्चुअली में कम्युनिकेशन होता क्या है. ठीक है, हमने उसमें पढ़ा था कि कम्युनिकेशन का बेसिक मीनिंग होता है कि हम एक इंफॉर्मेशन या कोई नॉलेज या कोई आइडिया या कोई थॉट को सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं. अब वो ट्रांसफर करके जिसके पास भी पहुंचे, चाहे वो दूसरे ह्यूमन के पास पहुंचे, चाहे वो एनिमल के पास पहुंचे, या चाहे वो मशीन के पास पहुंचे, लेकिन वो कम्युनिकेशन है, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, फिर हमने उसके अंदर क्लासिफिकेशन करी थी कम्युनिकेशन की, कि कम्युनिकेशन दो तरीके की होती है. एक वन वे कम्युनिकेशन, कि आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हो. ठीक है, एक स्पीकर जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है, पर उसको वापस फीडबैक या रिप्लाई नहीं आ रहा है. ठीक है, एग्जाम्पल था इसके अंदर वन वे कम्युनिकेशन का, आपके पास सॉन्ग्स, यूट्यूब वीडियोस. ठीक है, ये सारी चीजें आपकी वन वे कम्युनिकेशन है, क्योंकि आप स्पीकर से बात नहीं कर रहे हो. ठीक है, वो एक मास मीडिया से बात कर रहा है, तो उसके पास रिप्लाई नहीं जाएंगे सारे के सारे. ठीक है, फिर हमारे पास आता है टू वे कम्युनिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर टू वे कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हमें बेसिकली जो रिसीवर है, जो हमारी बात सुन रहा है, वो हमें वापस रिप्लाई करता है. ठीक है, हमने क्लासिफिकेशन के बाद हमने इसका कम्युनिकेशन प्रोसेस पढ़ा था, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस बेसिकली कैसे होता है. ठीक है, वहां पे एक सेंडर होता है, वहां पे सेंडर मैसेज भेजता है, इनकोडेड फॉर्म में भेजता है. ठीक है, अपनी इनकोडिंग के अंदर भेजता है, अपनी समझ के हिसाब से भेजता है, वो एक चैनल के थ्रू भेजता है. ठीक है, यानी कि एक मीडियम के थ्रू भेजता है. ठीक है, फिर वो मैसेज रिसीवर के पास जाता है, रिसीवर उसे समझने की कोशिश करता है, डीकोड करता है, और फिर अपना रिप्लाई देता है. ये 7 स्टेप्स हैं बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोसेस के. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, दैट सपोज दे आस्क यू दैट व्हाट इज कम्युनिकेशन, या सिंपल सा क्वेश्चन बहुत इजी पूछ ले आपसे दैट व्हाट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस. ठीक है, पर वो जो क्वेश्चन है वो आपको 2 मार्क्स का तो देंगे नहीं, राइट? सपोज इट इज अ 5 मार्क्स और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज कम्युनिकेशन प्रोसेस या डिस्कस कम्युनिकेशन प्रोसेस. ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसके अंदर सारी की सारी चीजें क्रोनोलॉजिकली लिखना शुरू करोगे, जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ी है. आप पहले कम्युनिकेशन समझाओगे, डेफिनेशन लिखोगे कम्युनिकेशन की, बहुत इजी है. ठीक है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर इसका याद रखना है, आपको इंट्रोडक्शन देनी है एक पूरी की पूरी, आंसर का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए. इंट्रो दो, इंट्रो के अंदर आपको कम्युनिकेशन की डेफिनेशन डालो कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने तरीके का होता है, वन वे टू वे. ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझाओ. ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर आप एक पूरी वो साइकिल बनाओ. ठीक है, कुछ नहीं करना, एक सिर्फ सर्कल बनाना है और उसके अंदर बॉक्सेस के अंदर.
लिख देने हैं ये सातों की सातों चीजें, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन साइकिल बनाने के बाद आप उन सारी चीजों को अलग अलग एक्सप्लेन करो, ठीक है। एज हमारे पास बहुत कम टाइम था तो मैं आपको पूरी डिटेल में नहीं डिक्टेट कर पाई, डिटेल के अंदर आपको खुद जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने सिर्फ आपको मेन मेन पॉइंट्स बताए हैं उसके अंदर, इन सातों चीजों के अंदर भी जब मैंने इनको एक्सप्लेन किया है तो सिर्फ मेन मेन चीजें लिखवाई हैं कि आप एटलीस्ट उनसे उनको एज एन एग्जाम्पल लेके बिल्डअप कर सको उस पर, ठीक है। तो आप उसको बेसिकली अपने आंसर को खींचोगे, ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो स्ट्रक्चर यही होगा कि आप पहले कम्युनिकेशन बताओगे कि क्या होता है, ठीक है। आपको हमेशा बताना है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, आप अपने आंसर की स्टार्टिंग ही उससे करोगे कि क्या कम्युनिकेशन क्या है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो कितने तरीके का होता है। अगर ये भी ना बताओ तो सिर्फ इतना बताओ कि कम्युनिकेशन क्या है और वो क्यों ज़रूरी है एक इंसान के लाइफ में, ठीक है। वो भी मैंने चैप्टर नंबर 1 के अंदर लिखा था कि इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है, कि कम्युनिकेशन हमें क्यों ज़रूरी है एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ के अंदर, या ह्यूमन बीइंग भी नहीं, एक्चुअली एवरीथिंग इन दिस प्लेस, ठीक है, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, एवरी लिविंग थिंग, ठीक है, दे नीड टू कम्युनिकेट, देयर इज अ नीड टू कम्युनिकेट, ठीक है। हम बिना कम्युनिकेशन के नहीं रह सकते, समझ आया। तो वो इम्पोर्टेंस है, वो हमारे लिए हमारी बेसिक नीड है, ठीक है। कम्युनिकेशन हमारी बेसिक नीड है, हम अपनी चीज़ को, अपने थॉट्स को बिना ट्रांसफर करे नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको उसके अंदर और इम्पोर्टेंस के ऊपर जाना है, ठीक है, तो आप एग्जाम्पल्स दोगे, जैसे कि अगर एक डॉग है, ठीक है, एंड दैट डॉग इज़ नॉट बार्किंग, वो किसी से भी बात नहीं कर रहा, बस कोने में बैठा हुआ है, ठीक है, एंड ही हिज फेशियल एक्सप्रेशंस थे उसके, ही लुक्स वेरी सैड एंड डिप्रेस्ड, ठीक है। तो जब तुम उसको देखोगे, वो आपसे कुछ नहीं कह पा रहा, ठीक है, वो बार्क नहीं कर रहा है, या वो अपनी टेल वैग नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन स्टिल उसके उसको देख के आपके पास मैसेज क्या पहुंचेगा कि हाँ वो डिप्रेस्ड है शायद, या वो सैड है शायद, ठीक है। तो वो कम्युनिकेट हम ना चाहते हुए भी हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। द मेन आइडिया इज दैट कि कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना अनकॉन्शियस लेवल पे हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो हमने चैप्टर नंबर 1 में ये तीनों चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट थी वो करी थी। इसके अंदर से सबसे इम्पॉर्टेंट था कम्युनिकेशन प्रोसेस जो आपको करना है, ठीक है। फिर हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन करे थे, ठीक है। चैप्टर 1 में क्लासिफिकेशन करी थी कि दो तरीकों की हो सकती है कम्युनिकेशन, या वन वे होगी या टू वे होगी, ठीक है, एक एक तरफा होगी या दोनों तरफ से फीडबैक भी आ रहा होगा और एक अच्छी सी कॉन्वर्सेशन भी बनेगी उसमें से, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन के क्या टाइप्स होते हैं, मतलब कि कैसे कैसे होती है कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्बल हो सकती है, यानी कि बोल के या लिख के कर सकते हैं हम कम्युनिकेट, ठीक है। नॉन वर्बल हो सकती है, यानी कि जिसके अंदर हम अपने बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है, वो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आता है कि हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, हम साइंस का यूज करते हैं, हम सिंबल, साइन, पोस्टर्स, ड्राइंग्स, स्केचेस, ठीक है, इन सारी चीज़ों का हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर यूज करते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम मे बी वर्बल कम्युनिकेशन ना कर पाए लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वी कैन ऑल डू, ठीक है। जैसे मैंने डॉग का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, अब वहाँ पे वो डॉग इज नॉट स्पीकिंग, मतलब अपनी लैंग्वेज में तो नहीं बोल रहा, ही इज नॉट बार्किंग, ठीक है, लेकिन हम वो फिर भी कम्युनिकेट कर रहा है अपने फेशियल एक्सप्रेशंस से, वो हमें कुछ ना कुछ साइंस या कुछ ना कुछ सिंबल्स दे रहा है, ठीक है। तो वो होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर हमारे पास फॉर्मल कम्युनिकेशन आती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो आप एक इंस्टीट्यूशन के अंदर करते हो, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो होती है फॉर्मल वे के अंदर कम्युनिकेट करना, जब आपको पता है कि हाँ आपसे कोई सुपीरियर है या आपसे कोई सबॉर्डिनेशन में है, ठीक है, या आपके कोई नीचे है या आपके कोई ऊपर है, ठीक है। जैसे कि हम एक कंपनी में बात करते हैं या स्कूल में बात करते हैं, स्कूल में जब एक बच्चा टीचर से बात करने जाता है तो काफ़ी फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि टीचर उससे सुपीरियर है, ठीक है, या टीचर अगर प्रिंसिपल से बात करने जाएगी तो फिर एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। फॉर्मल के अंदर काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं, उसके अंदर पोलाइटनेस वाली चीज़ आती है, हमें कर्टसी चाहिए होती है उसके अंदर, ठीक है। फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आती है, जो हम नॉर्मल अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास विजुअल कम्युनिकेशन, ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन जब हम
सिर्फ कुछ चीज देख के कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे कि मूवीज, ठीक है, हम मूवीज देख रहे हैं, ठीक है, या पहले के जमाने में साइलेंट मूवीज आती थी, ठीक है, उसके अंदर वो कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ कुछ एक्टिंग हो रही है, तो वो विजुअल कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, हमें फिर भी वो मूवीज समझ आती थी लोगों को, क्योंकि लोग देखते थे, ठीक है, तो लेकिन फिर भी वो एक कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन, यानी कि आप ऑडियो या वीडियोस इन सारी चीजों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें बच्चों से, ठीक है, तो ये जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होती है ये इंटर रिलेटेड होती है, ठीक है, अब हम वर्बल नॉन वर्बल दोनों को मिक्स कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि मैं अभी फेशियल एक्सप्रेशन से भी बात कर सकती हूँ और ओरली भी आपको बता रही हूँ, राइट, अगर मैं इस या फॉर्मल वे में भी बता रही हूँ, राइट, और थोड़ा थोड़ा इनफॉर्मल भी यूज कर रही हूँ, तो ये सारी चीजें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आती है कि कम्युनिकेशन किन किन तरीकों से हो सकता है, ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमने इन इन कम्युनिकेशंस को तोड़ा था और भी ज्यादा सब पार्ट्स में गए थे, जैसे कि हमने कहा था कि लैंग्वेज क्या होती है कम्युनिकेशन की, अब लॉन्ग कम्युनिकेशन कैसे कैसे हो सकता है, वर्बल नॉन वर्बल, ये दो मेन कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं, ठीक है, वर्बल लैंग्वेज, जब हम वर्बली कुछ बोल रहे हैं तो हम स्पीच के थ्रू बोल रहे होते हैं या लिख के बोल रहे होते हैं, दैट इज स्पीच एंड राइटिंग, ठीक है, नॉन वर्बल लैंग्वेज के अंदर हम अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, जिसका टर्म था स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज का काइनेसिस, ठीक है, बहुत लोगों ने कल भी पूछा था कि काइनेसिस क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज को स्टडी जो करते हैं लोग उनकी स्टडी का नाम है काइनेसिस, ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, ठीक है, ये सारी चीजें नॉन वर्बल लैंग्वेज है, ठीक है, साइन लैंग्वेज तो पता है जो डेफ एंड डम लोग यूज करते हैं, ठीक है, साइन लैंग्वेजेस होती है, बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी पूरी बॉडी बताती है कि तुम कम्युनिकेट करती है दूसरे इंसान से कि आप क्या कहना चाहते हो या आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो, द रीजन कि हम लोग इतना फॉर्मल वे में तैयार होके जाते हैं इन आर इंटरव्यू, क्योंकि हमारी ये नहीं कि हमारी ड्रेसेस से वो इंप्रेस होते हैं, बट हम इसलिए इतना फॉर्मल तैयार होके जाते हैं क्योंकि उससे कम्युनिकेट क्या होता है कि या वी आर कॉन्फिडेंट, वी आर सीरियस अबाउट दिस जॉब, ठीक है, तो वो बॉडी लैंग्वेज के अंदर आ जाता है, आपकी सारी के सारे हैंड मूवमेंट्स, आपके जेस्चर्स, ठीक है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका फिजिकल अपीयरेंस, ये सब कुछ बॉडी लैंग्वेज के अंदर है, ठीक है, साइन लैंग्वेज के अंदर बहुत सिंपल है, डेफ एंड डम जो लोग यूज करते हैं या बाकी सारे साइंस जो हम यूज करते हैं जो हमें रेड लाइट पे दिखते हैं, ठीक है, या रोड्स के ऊपर जो साइन लगे होते हैं वो सारी चीजें भी कम्युनिकेट कर रही है, दैट इज साइन लैंग्वेज, सम सिंबल्स और साइंस, ठीक है, फिर हमारे पास आता है पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज मैंने समझाया था कि पैरा का मतलब होता है इट इज लाइक लैंग्वेज, ये चीज वर्बल लैंग्वेज भी होती है, ये नॉन वर्बल लैंग्वेज भी होती है, ठीक है, इसके अंदर हम वर्ड स्ट्रेस देते हैं, इसके अंदर हम पिच, वॉइस की पिच यूज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर आपने दूर से, आप अपने घर में बैठे हो और आपको कहीं से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, राइट, वो कुछ भी बोल रहा हो आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, वो चिल्ला रहा है, राइट, तो आपके पास क्या कम्युनिकेशन आएगा कि हाँ या तो वो इंसान बहुत गुस्सा है या किसी से बहुत गंदी लड़ाई कर रहा है, ठीक है, तो दैट इज पैरा लैंग्वेज, क्योंकि आप उस वक्त उस इंसान की वॉइस की पिच देख रहे हो या वॉल्यूम सुन रहे हो, आप उसके वर्ड्स नहीं देख रहे कि वो क्या बोल रहा है, राइट, आप तब उसके वर्ड्स नहीं देखोगे क्योंकि आपको समझ में नहीं आएंगे मे बी इतनी दूर से कि वो क्या बोल रहा है, या दूसरे घर में किसी की लड़ाई हो रही हो तो नहीं समझ आएगा कि वो किस चीज पे लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके वर्ड्स नहीं समझ आएंगे, पर नॉन वर्बल क्या है उसके अंदर, कि वॉल्यूम है उसके अंदर, ठीक है, कि वॉल्यूम और पिच है उस लैंग्वेज के अंदर या उस वॉइस के अंदर जिसकी वजह से हमें कम्युनिकेशन हो रहा है कि हाँ वो इंसान बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, ठीक है, पैरा लैंग्वेज का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर आप बहुत ज्यादा दुखी हो, ठीक है, एंड यू डिसाइड टू कॉल योर मॉम, ठीक है, कि आप अपनी मॉम को कॉल करने की कोशिश करते हो, अब आप इतना ज्यादा रो रहे हो कि आपके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती, सिर्फ रोने की आवाज आ रही होती है, राइट, तो क्या कम्युनिकेट होगा, ऑब्वियसली आपकी मदर को तब भी पता चल जाएगा कि हाँ आप दुखी हो, तो कम्युनिकेशन हो गया, आपको सिर्फ उनको इतना बताना था कि नहीं आप दुखी हो, आपको कुछ सुनना है, आपको कोई सपोर्ट चाहिए, ठीक है, तो वो पैरा लैंग्वेज हो गई, जब आपकी सिर्फ आवाज की वॉल्यूम या पिच सोच सुन के इंसान के पास वो कम्युनिकेशन या वो जो फीलिंग है जो आप बताना चाहते हो वो पहुंच जाए, ठीक है, फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट नॉन वर्बल लैंग्वेज के अंदर प्रोक्सिमिस या स्पेस डिस्टेंसिंग, ठीक है, स्पेस डिस्टेंसिंग की स्टडी को हम प्रोक्सिमिस कहते हैं, ठीक है, ये स्टडी क्या कहती है कि इंसान की लाइफ में बहुत सारे स्पेस होते हैं, इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारे स्पेसेस बना के रखता है, ठीक
ठीक है, इसका मैंने बहुत इजी एग्जांपल दिया था जो आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। और टीनेजर, ठीक है, एक टीनेजर है, ठीक है, उसका एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, ठीक है, उसका वो एक इंटीमेट रिलेशनशिप होगा, ठीक है, जहाँ पे वो जिस तरीके से कम्युनिकेट करेगा वो बहुत अलग तरीका होगा जिस जब वो अपने किसी क्लोज इंसान से, बहुत ही ज़्यादा क्लोज इंसान से कम्युनिकेट कर रहा होगा, ठीक है। दैट इज़ द इंटीमेट स्पेस, हमारी वो इंटीमेट स्पेस होती है, ठीक है, जहाँ पे हम बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हैं। इट इज़ लाइक स्पेस डिस्टेंसेस को आप बेसिकली अपनी पर्सनैलिटीज की तरह देखो, ठीक है, कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती हैं, आपकी एक इंटीमेट पर्सनैलिटी होती है या इंटीमेट स्पेस होता है जहाँ पे आप अलग तरीके से बिहेव करते हो। फिर आपका एक स्पेस आता है पर्सनल स्पेस, जहाँ पे आप अपने फैमिली मेंबर्स से कैसे बिहेव करते हो, अपने रिलेटिव्स के साथ कैसे बात करते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो पर्सनल स्पेस। फिर आपकी एक आती है सोशल स्पेस, ठीक है, सोशल स्पेस के अंदर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव करते हो या आप अपने कॉलीग्स के साथ कैसे बिहेव करते हो, ठीक है, जो आपकी सोसाइटी है, जिस सराउंडिंग में आप हो बेसिकली, उधर आप कैसे बात करते हो या किस क्या चीज़ों से यूज करके बात करते हो, ठीक है। और फिर आपकी आती है पब्लिक स्पेस, जहाँ पे आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो। पब्लिक स्पेस के अंदर आप बेसिकली क्या हो, पब्लिक स्पेस के अंदर आप स्ट्रेंजर्स के सामने कैसे बिहेव कर रहे हो, ठीक है, जिनको आप नहीं जानते, जो आपके सोशल सर्कल के अंदर भी नहीं है, ठीक है, तो वो प्रॉक्सिमस होता है, वो स्पेस डिस्टेंसिंग होती है, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है नॉन वर्बल लैंग्वेज का कोरोनिमिक्स, यानी कि टाइम लैंग्वेज, कि टाइम जो होता है वो भी आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बताता है, ठीक है। आपकी पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बताता है कि आपकी पंक्चुअलिटी क्या है, आप कैसे टाइम पे, मतलब अगर आप टाइम पे काम कर पा रहे हो कि नहीं, वो भी कुछ कम्युनिकेट करेगा आपके बारे में, ठीक है। फिर आपके पास आता है हैप्टिक्स या टच लैंग्वेज, ठीक है, जो कि नॉन वर्बल लैंग्वेज है, कि आप बेसिकली किसी को, किसी से फिजिकली टच करके आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो, ठीक है। तो ये स्टडी ऑफ टच लैंग्वेज इज हैप्टिक्स, ठीक है, कि आप किसी को टच करके बेसिकली क्या कम्युनिकेट करना चाहते हो। अगर कोई इंसान बहुत दुखी है, यू जस्ट पुट योर हैंड ओवर हिज या हर शोल्डर, ठीक है, दैट कम्युनिकेट्स दैट यस यू अंडरस्टैंड देम या यस यू आर सपोर्टिंग देम, ठीक है। तो वो सिर्फ कम्युनिकेट क्या करना चाहते हो, एक इंसान बहुत गुस्सा है, वो तेज से थप्पड़ मार देता है दूसरे इंसान को, ठीक है, तो टच लैंग्वेज है, उसने कुछ नहीं बोला, ठीक है, बहुत गुस्सा है वो सुबह से, ठीक है, तो वो जैसे ही जिस इंसान के ऊपर गुस्सा होता है उसे देखते ही बस थप्पड़ मार देता है उसे, ठीक है, तो कम्युनिकेट क्या हुआ कि हाँ, या तो वो इंसान बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ है या वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, ठीक है। तो दैट इज टच लैंग्वेज, दैट इज टच से बेसिकली अपना कम्युनिकेट करना, ठीक है। और लास्ट चीज जो हम नॉन वर्बल लैंग्वेज के अंदर करते हैं, जिस तरीके से हम नॉन वर्बल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, वो होता है साइलेंस, ठीक है। साइलेंस बेसिकली कि साइलेंस भी तुम्हारा कम्युनिकेशन करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या मीनिंग है उसका, ठीक है। अगर एक टीचर है, वो एक बच्चे से आंसर पूछ रही है, कोई क्वेश्चन पूछ रही है कि आप मुझे आंसर बताओ, मैंने कल पढ़ाया था, ठीक है, और उस बच्चे को नहीं, वो बच्चा एकदम साइलेंट रहता है, ठीक है, कुछ नहीं बोलता, तो कम्युनिकेशन क्या होगा उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि उसे नहीं आता आंसर, ठीक है, या उसे समझ नहीं आया या उसे आंसर आता ही नहीं है, ठीक है। तो साइलेंस के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। हमने यहाँ तक 3 चैप्टर्स फर्स्ट क्लास के अंदर पढ़े थे, ठीक है। आपके पास जो PDFs हैं उसके अंदर डिटेल के अंदर सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा आपको उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर नंबर 4, जो हमने कल किया था और जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है, ठीक है। वो हाँ, चैप्टर नंबर 3 के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बताना भूल गई, ऑब्वियसली। आपकी नॉन वर्बल लैंग्वेज, जितनी भी पार्ट्स हैं नॉन वर्बल लैंग्वेज के, उन सब में से शॉर्ट नोट्स एक एक बार आ चुके हैं, तो आपको वो चीज़ तो पूरी की पूरी पक्की करनी है अपनी, ठीक है। नॉन वर्बल लैंग्वेज के सारे पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। इसके अंदर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। वो आपसे इसके अंदर डिफरेंसेस बनाने को पूछ सकते हैं कि आप डिफरेंस बताओ क्या करना है, ठीक है। और अगर आपको डिफरेंस बताना है तो प्लीज उनको कॉलम्स में मत बनाना, ठीक है। इट वुड बी वेरी हेक्टिक फॉर यू कि आप पॉइंट्स में लिखो, तो आपके पास मटेरियल बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। आप पैराग्राफ्स में डिफरेंस लिखोगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल होगा लिखने के लिए, आप समझा सकते हो उसको, इंटर रिलेट करके भी डिफरेंस बता सकते हो। तो पैराग्राफ्स में डिफरेंस लिखना प्लीज, आप अब स्कूल में नहीं हो कि आप उसके अंदर लिखोगे कि कॉलम्स बनाओगे कि हाँ ये डिफरेंस है, मैंने उसके अंदर इसलिए बनाया ताकि आपको पॉइंट्स में एक मेन मेन आइडिया पता चल जाए,
मैं पैराग्राफ में लिखती तो आप उसे ना पढ़ते ना आपको समझ आता, ठीक है? लेकिन आपको पैराग्राफ्स के अंदर ही लिखना है, कोई डिफरेंस आता है कभी कोई पूछने को तो, ठीक है? तो हमने चैप्टर नंबर 4 में लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े थे कि कितने लेवल पे कम्युनिकेशन होता है, कौन कौन से लेवल के ऊपर कम्युनिकेशन होता है. सबसे पहला था एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन. एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, एक्स्ट्रा से क्या याद आता है कि कुछ बाहर है, आपके दायरे से कुछ बाहर है, दैट इज एक्स्ट्रा, ठीक है? तो यानी कि ह्यूमन बींग्स के दायरे से कुछ बाहर, नॉन ह्यूमन एंटिटीज, ठीक है? या कोई एनिमल स्पीशीज, मतलब बेसिकली दूसरी स्पीशीज, दूसरी लिविंग स्पीशीज के साथ जो हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है? दैट इज एक्स्ट्रा पर्सनल, ठीक है? आप बेसिकली किसी एनिमल से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप किसी मशीन से कम्युनिकेट कर रहे हो, दैट इज एक्स्ट्रा पर्सनल, ठीक है? इंट्रा पर्सनल, जब आप अपने आप से बात कर रहे होते हो, ठीक है? उसके अंदर आप ही रिसीवर होते हो, आप ही सेंडर होते हो, जब आप अपने आप से बात करते हो, जिसके अंदर हमारे पास इंट्रापर्सनल के अंदर क्या था, मोनोलॉग्स, ठीक है? एंड हाँ, बेसिकली मोनोलॉग्स या सोलोलोकीज, ये सारी इंट्रापर्सनल है, जब आपके अंदर बेसिकली आप मन में अपने आप से बात कर रहे हो, ठीक है? फिर आपके पास आता है इंटरपर्सनल, जब आप किसी ह्यूमन बींग से बात कर रहे हो, जब आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, दैट इज इंटरपर्सनल. इंटरपर्सनल के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. इंटरपर्सनल 3 तरीकों से होता है, या तो आप किसी एक इंसान से फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हो, या आप एक ग्रुप कम्युनिकेशन कर रहे हो, ठीक है? ग्रुप के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स भी होते हैं, बड़े ग्रुप्स भी होते हैं, उससे बड़े मास कम्युनिकेशन भी होता है, ठीक है? फिर और कौन से इंटरपर्सनल होता है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है? जो कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है. अब लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर अगर आपके पास डिफरेंस बिटवीन आता है एक्स्ट्रा पर्सनल एंड इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, तो आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे, ठीक है? और अगर आपके पास सिंपल आता है कि डिस्कस ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, तो आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर क्या होगा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन को डिस्कस करने के लिए, पहले कम्युनिकेशन क्या होता है, फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है? या लेवल्स कम्युनिकेशन के कौन कौन से होते हैं और इंटरपर्सनल क्या होता है, ठीक है? ये सेकंड पॉइंट आएगा आपका. फिर आप बताओगे ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है और वो कितने तरीके का होता है, ठीक है? एक कम्युनिकेशन जो एक इंस्टीट्यूशन या जो एक कंपनी के अंदर हो रहा है, उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है? उसके अंदर होता है इंटरनल कम्युनिकेशंस, कंपनी के अंदर ही बात होना, ठीक है? या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ठीक है? क्योंकि जो कंपनी अपने कस्टमर से बात करती है, कंपनी के दायरे से बाहर बात करना इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ठीक है? क्वेश्चंस इधर इंटरनल कम्युनिकेशन से ज्यादा आते हैं कि कितनी तरीके के होते हैं, कितने डायरेक्शंस के अंदर होते हैं, जो मैंने बताए थे, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगनल एंड ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, ठीक है? वो सारी डायरेक्शंस है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की, कि कितने तरीकों से बेसिकली कितनी डायरेक्शंस में वो फ्लो होता है, ठीक है? हमने किया था इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अब हमने सारा कम्युनिकेशन के सारे लेवल्स पढ़ लिए, टाइप्स पढ़ लिए, तो कम्युनिकेशन को हम इफेक्टिव कैसे बनाएं, यानी कि जितनी कम्युनिकेशन हो रही है उसको और ज्यादा अच्छा कैसे बनाएं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे SOL की क्लासेस लेनी शुरू करी, राइट? अब हमें पता है कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, पर उसको और ज्यादा इफेक्टिव हम कैसे बनाएं ताकि उनके लिए और ज्यादा ईजी हो जाए पढ़ना, ठीक है? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर सारे रोल जो होता है वो किसका होता है, स्पीकर का. हम यहाँ पे स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इस पूरी की पूरी चीज को, कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है, कि एक कम्युनिकेशन जो बिना किसी प्रॉब्लम या हिंड्रेंस के हो जाए, ठीक है? जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, जिसके अंदर कोई बैरियर ना आए, ठीक है? यानी कि मिसकम्युनिकेशन ना हो, तो जो बात हम कह रहे हैं वो आप तक पहुंच जाए बेसिकली, ठीक है? तो इसके अंदर हमने कॉजेज ऑफ मिसकम्युनिकेशन पढ़े थे कि अलग अलग तरीके की नॉइजेज होती हैं, ठीक है? अलग अलग तरीके के बैरियर्स होते हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सिमेंटिक्स, ठीक है? कल्चरल बैरियर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से कम्युनिकेशन ना होना, या मैकेनिकल फेलियर की वजह से कम्युनिकेशन ना होना, ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया था, स्ट्रैटेजीज करी थी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजीज, यानी कि कैसे हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करें, ठीक है? हाउ टू एक्चुअली कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ठीक है? तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या है कि हम 7 C's का फॉर्मूला अपनाएंगे, 7 C, ठीक है? यानी कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कंप्लीट होनी चाहिए. ये सेंडर पॉइंट ऑफ व्यू है कि सेंडर जो है उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भेजनी चाहिए, कंसाइज भेजनी चाहिए, इधर उधर की चीजें नहीं, जो बता रहे हैं सिर्फ वही बताना है, ठीक है? व्हाट इफ मैंने बोला कि मैं इंग्लिश कम्युनिकेशन की क्लास लूंगी एंड मैं तुम्हें
ग्रामर पढ़ाने लग जाऊँ इसके अंदर, राइट? मैं कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा रही, मैं कुछ और ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो वो कंसाइज नहीं होएगा, इधर उधर से सारे एग्जाम्पल्स देके मैं फिर बताऊँ तुम्हें, ठीक है? तो हम पॉइंट के ऊपर नहीं आ पाएंगे. तो स्पीकर का क्या काम है कि उसको कंप्लीट रहना है, सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको कंसाइज रहना है, उसको इधर उधर की बातें नहीं, उसको टू द पॉइंट बात करनी है, ठीक है? उसको क्लियर रहना है. अपनी अपने आप में बेसिकली जब एक स्पीकर बोल रहा होता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा क्लियरली समझाना चाहिए दूसरे इंसान को, ठीक है? उसको उसकी इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है? कॉन्क्रीट होना चाहिए, यानी कि एकदम रिजिड होना चाहिए, इन द सेंस जो भी आप बता रहे हो वहाँ से कोई लीक पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, ठीक है? कंसिडरेशन, एक स्पीकर को हमेशा लिसनर का बैकग्राउंड सोच के बोलना चाहिए, ठीक है? अगर हम किसी भी बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं डेलिकेट मैटर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट लाइक रिलीजन, ठीक है? अगर कोई टीचर रिलीजन के ऊपर डिस्कस कर रहा है तो उसको कंसिडर करना पड़ेगा कि उसकी ऑडियंस कहाँ से बोल रही है, ठीक है? उसकी ऑडियंस कहाँ से है, ठीक है? तो हम बेसिकली एक स्पीकर को कंसिडर करना पड़ता है हर एक चीज़, स्पेशली लिसनर के बैकग्राउंड, लिसनर के बारे में जानना पड़ता है कि वो कहाँ से है, ठीक है? अगर कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है और उसके सामने आप बोलते रहो कि नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है, हाँ ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? तो हम लिसनर को ही नहीं समझ पाएंगे तो स्पीकर का बेसिकली पूरा कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा, ठीक है? तो कंसिडर करना है. और कर्टिसी होनी चाहिए, कर्टिसी का मतलब होता है पोलाइटनेस होनी चाहिए. एक इंसान को समझाते हुए जब आप दूसरे इंसान को कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो हमें पोलाइट रहना चाहिए, ठीक है? ओके, इसके बाद हमने लिसनिंग एंड स्पीकिंग पार्ट्स किए थे, ठीक है? ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं आपके आगे के जो थे, ठीक है? जिसके अंदर से कभी कभी कुछ आता है, ज़्यादा नहीं आता, तो इसके अंदर सिर्फ इतनी चीज़ें ही लिखने की ज़रूरत होती है क्योंकि आपने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिसनर के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि एक लिसनर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, कि एक लिसनर जो है वो कैसे एक अटेंटिव या सेलेक्टिव या अप्रिशिएटिव, इवैल्यूएटिव, एम्पैथेटिक, ये सारी टाइप्स ऑफ लिसनिंग करता है. अटेंटिव, ठीक है, यानी कि अपनी पूरी अटेंशन दे के सुनेगा, या सेलेक्टिव. सेलेक्टिव जो लिसनिंग होती है वो हम अपनी एवरीडे लाइफ में करते हैं, ठीक है? अगर आपसे कोई बहुत लंबा, मैं अभी भी अगर आपसे लेक्चर पूरा बहुत लंबा लेक्चर है, 2 घंटे का लेक्चर, राइट, तो आप सेलेक्टिव लिसनिंग कर रहे होगे. आपको जो समझ आ रहा होगा, सबसे पहली बात तो आप सिर्फ वही रिटेन कर रहे होगे, ठीक है? और सेलेक्टिव में क्या होगा, अगर आपने ये क्लास ऑलरेडी कल ले चुके हो, ठीक है, जो बच्चे ये वाली क्लास कल ले चुके हैं उनके लिए होगा कि नहीं ये तो हम पढ़ चुके, तो आप इस इन्फॉर्मेशन को जो आप सुन रहे हो या जो भी मैंने बताया उसको आप साइड में कर दोगे, या सुनोगे ही नहीं, ठीक है? दैट इज सेलेक्टिव लिसनिंग, ठीक है? फिर होता है अप्रिशिएटिव लिसनिंग, ठीक है? जब हम किसी को बहुत अपने मन से सुन रहे होते हैं, जैसे हम सॉन्ग्स सुनते हैं या मूवीज देखते हैं, ठीक है, वो अप्रिशिएटिव होती है. फिर इवैल्यूएटिव, इवैल्यूएटिव लिसनिंग मोस्टली लेक्चर्स के अंदर होता है, ठीक है? कि मैं आपको एक लेक्चर दे रही हूँ तो आपको उसके, आप उस लेक्चर को एनालाइज करते हो और फिर उसके अंदर से जो आपको समझ आता है उसको नोट डाउन करते हो, उसको इवैल्यूएट करते हो, ठीक है? और एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक जब आप किसी स्पीकर को सुन रहे हो, जब लिसनर जो है वो स्पीकर को सुन रहा है एंड उससे कनेक्ट हो पा रहा है, उसका बैकग्राउंड देख पा रहा है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड कंसिडर कर रहा है कि कहाँ से वो बोल रहा है, ठीक है? लाइक स्टेप इन टू द अदर पर्सन्स शू, ये जो बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, दैट यू शुड ऑलवेज स्टेप इन टू द अदर पर्सन्स शू. जब भी आपको कोई चीज़ इवेल्युएट करनी हो या कुछ समझना हो तो आप उसकी तरफ से जाके देखिए, राइट? तो दैट इज एम्पैथेटिक लिसनिंग, ठीक है? फिर हमने किए थे इसके अंदर बैरियर्स ऑफ लिसनिंग, कि क्या क्या बैरियर्स होते हैं कि सुनने में हम कभी कभी नहीं पहुंच पाते, ठीक है? नॉइजेज आ जाती है, ऑब्वियसली कोई ना कोई शोर आता है, जो हमने पिछले पीछे भी नॉइजेज वाला पार्ट किया था, ठीक है? या कभी कभी स्पीकर की वॉइस क्लियर नहीं होती, जैसे अगर मेरा यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा वीक हो तो आपको वीडियो पूरी की पूरी है, आपको ये लेक्चर पूरा का पूरा अटकते हुए दिखाई देगा, ठीक है? तो मेरी वॉइस क्लियर नहीं होगी तो ऑब्वियसली इट इज़ अ बैरियर टू द लिसनर, आप लोगों के लिए वो एक बैरियर है, आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक है? फिर होते हैं प्री कंसीव्ड नोशंस, ठीक है? अगर कोई बच्चा इस क्लास के अंदर है हु सेज कि नहीं इस टीचर को पढ़ाना ही नहीं आता, ठीक है, उसके पास एक प्री कंसीव्ड नोशन होगा, ठीक है, कि नहीं इनको नहीं पढ़ाना आता, ठीक है? और उस प्री कंसीव नोशन की वजह से बेसिकली वो आगे लेक्चर सुनेगा ही नहीं या सुनेगी ही नहीं, ठीक है? दैट इज प्री कंसीव नोशंस, ठीक है, कि आप बेसिकली एक पहले से ही एक आइडिया बना के चल रहे हो कि नहीं इसको नहीं, मतलब ये इंसान अच्छा नहीं है या इसको ये पढ़ाना ही नहीं आता, ठीक है? एंड उसके बाद फिर आप अगर उसको सुनोगे तो आपके लिए वो सारी चीजें बेकार ही लगेंगी, ठीक है?
फिर डिसइंटरेस्ट होना, ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आपको आपकी लिसनिंग बेसिकली पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है. फिर लैक ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ या मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, एंड इफ आई गो टू अ मीटिंग या टू बेसिकली कॉन्फ्रेंस, एक साइंस कॉन्फ्रेंस के अंदर चले जाऊँ, वहाँ पे जो भी लोग कुछ भी बोल रहे होंगे नहीं समझ में आएगा, ठीक है, वो जितनी भी चीज़ें बोल रहे होंगे, क्योंकि मेरे पास वो बैकग्राउंड नॉलेज ही नहीं है, ठीक है. फिर लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड मैसेजेस, अगर बहुत लंबे लंबे मैसेजेस भेज दो तो कोई नहीं पढ़ता उन्हें, ठीक है, या कोई नहीं सुनता उन्हें बेसिकली, अगर बहुत लंबे लंबे कोई फॉर्मल वे में बस बोले जा रहा है 2-3 घंटे तक, ठीक है, तो वो लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड मैसेजेस होते हैं, जिस जो बैरियर होते हैं लिसनिंग के लिए, ठीक है. इसके बाद हमने इसमें किया था टाइप्स ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, लिसनिंग वाला पार्ट था, बैरियर्स क्या है और टाइप्स क्या है. फिर स्पीकिंग के टाइप्स क्या है, कि बोलते हुए बेसिकली कि क्या होता है, ये स्पीकर का पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, कि एक इंटरैक्टिव स्पीकिंग होती है, जब स्पीकर आपको कुछ सुना रहा है, ठीक है, रिसीवर को या लिसनर को कुछ सुना रहा है, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी डेप्थ में कॉन्वर्जेशन हो रही है, ठीक है, फीडबैक्स मिल रहे हैं, रिप्लाइज आ रहे हैं, ठीक है, दैट इज इंटरैक्टिव स्पीकिंग, ठीक है. फिर पार्शली इंटरैक्टिव स्पीकिंग, जहाँ पे स्पीकर का ज़्यादा रोल होता है और लिसनर का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, वो सिर्फ अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है, जैसे आप लेक्चर सुनते हो कोई, तो उसके अंदर टीचर जो बोल रही है वो ज़्यादा आप सुनोगे, ना कि आप ज़्यादा बोलोगे, राइट. तो पार्शली इंटरैक्टिव के अंदर हम सिर्फ अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, या कोई क्वेश्चंस होते हैं वो, या कोई सजेशंस दे रहे होते हैं, ठीक है, तो स्पीकर का ज़्यादा रोल होता है, तो पार्शली इंटरैक्टिव होता है, क्योंकि आप मोस्टली एंड में इंटरैक्ट करते हो. फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी ऑनलाइन क्लास, ठीक है, अभी मैं बेसिकली जितना मुझे पढ़ाना है मैं पूरा का पूरा पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम इंटरैक्ट करेंगे, राइट, तो दैट इज पार्शली इंटरैक्टिव, ठीक है. फिर आता है नॉन इंटरैक्टिव, जिसके अंदर आप इंटरैक्ट कर ही नहीं सकते, जिसके अंदर आप लोगों से कोई इंटरैक्शन होगा ही नहीं, ठीक है, बेसिकली रिप्लाइज नहीं आएंगे, वो सिर्फ बोलेंगे, जस्ट लाइक यूट्यूब वीडियोज, वो नॉन इंटरैक्टिव है, ठीक है. अगर हमें उसी वक्त कुछ उससे पूछना है या सुन एक इंसान को सुनते हुए कुछ बोलना है, ठीक है, तो हम उससे नहीं बोल सकते, ठीक है, दैट इज नॉन इंटरैक्टिव स्पीकिंग, ठीक है. तो ये हमारा बेसिकली चैप्टर नंबर 6 तक हमारा क्या था, सारा रिकैप कि हमने क्या क्या करा था. अब आपके पास आता है जो हमें नई नई चीजें करनी है, ठीक है, हमें समझाना है, ये आपकी बेसिकली, ये आपको प्रैक्टिकल रीजंस के अंदर सबसे ज्यादा काम आती हैं चीजें, जब हम कम्युनिकेशन पढ़ लेते हैं तो उसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं. अब आपने इतना सारा कम्युनिकेशन पढ़ लिया कि कैसे करना चाहिए, कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, एक लिसनर को कैसे सुनना चाहिए, या एक स्पीकर को कैसे बोलना चाहिए, ठीक है, या पूरा कम्युनिकेशन 7 C's के अंदर कैसे करना चाहिए, ठीक है, तो ये सारी चीजें अब आपके काम आएगी. किन किन चीजों में, ग्रुप डिस्कशंस के अंदर, ये आपके में एक्चुअली में प्रैक्टिकल डे लाइफ के अंदर काम आती है, इसलिए ये एक एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है, ताकि आपकी एबिलिटीज बढ़े, ठीक है, आप GD में अच्छे तरह से परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपको बोलना कैसे है, आपको कम्युनिकेट कैसे करना है, आप पब्लिक स्पीचेस के अंदर कम्युनिकेशन कर सकते हो, आपको पता होगा आप एक इंटरव्यू कैसे ले सकते हो, ठीक है, या कैसे दे सकते हो अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो, ठीक है, या फिर आप एक डायलॉग कैसे लिख सकते हो, आप डायलॉग राइटिंग कैसे कर सकते हो, ये सारी आपकी प्रैक्टिकल चीजें हैं, ठीक है, इसलिए वो आपको सिर्फ एक जैसे लेटर के फॉर्म में दे देंगे या डायलॉग लिखने को दे देंगे, ऐसे क्वेश्चन इसलिए वो लाते हैं कि आपने कॉम्युनिकेशन पढ़ लिया तो आप ये वाली सारी चीजें कैसे पढ़ाओगे, कैसे करोगे, ठीक है. तो हमारे पास GD होता है, ठीक है, दैट इज ग्रुप डिस्कशन, मोस्टली लोगों ने सुना भी होगा, काफी सारे लोगों ने, ठीक है, इट इज अ वेरी फेमस पार्ट, या बहुत ही ज्यादा एक्चुअली इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरव्यूज के अंदर, स्पेशली अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग एंड आपकी एबिलिटीज देखते हैं, स्पेशली आपकी एबिलिटीज देखते हैं स्पीकिंग एंड लिसनिंग के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास ग्रुप डिस्कशन आता है, ठीक है. और जिन लोगों को नहीं पता ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, उसके अंदर होता है कि आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है बेसिकली, ठीक है, और बहुत सारे लोग होते हैं, एक टॉपिक होता है और उसके ऊपर आपको डिस्कस करना है, आपको अपने आइडियाज उधर देने हैं, ठीक है. तो बेसिकली इसके अंदर एक ऑब्जर्वर होता है, या जो भी आपको टॉपिक देता है जो इंसान, वो आपको ऑब्जर्व करता है, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखता है, वो आपकी टॉलरेंस लेवल देखता है कि आप कैसे उस ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हो, कैसे आप उस ग्रुप को लीड कर सकते हो, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, आपका बिहेवियर इन दैट ग्रुप, ठीक है, और आप क्या क्या पॉइंट्स रेज कर रहे हो, आप कैसे पॉइंट्स रेज कर रहे हो, दे वोंट केयर कि आपके पॉइंट्स बेसिकली आप
कैसे बेसिकली आप कौन कौन से पॉइंट्स रेज कर रहे हो, उसके लिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऑब्वियसली वो करेक्ट होने चाहिए, ठीक है, उनके फैक्ट्स सही होने चाहिए, पर आप कैसे कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, वो जीडी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है, तो ऑब्वियसली एवरी जीडी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए जीडी के, बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा सा पर्पस होता है उसका, ठीक है, कि इंटरैक्टिव प्रोसेस होना चाहिए, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग, कॉरपोरेशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. ठीक है, और उसके अंदर आप बेसिकली अपने आइडियाज फ्रीली प्रेजेंट करते हो. ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन का एम क्या होता है कि बेसिकली वो एक इंसान की कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है. ठीक है, इसलिए आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस के अंदर भी जाना चाहिए अगर आप ग्रुप डिस्कशंस कर रहे हो तो. ठीक है, और रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपको सारी नॉलेज, मतलब बेसिकली आपको जनरल नॉलेज पता होनी चाहिए, आनी चाहिए. ठीक है, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, यानी कि आप इवेल्युएट करने की थिंकिंग कि हाँ ये है तो कहाँ से कनेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए. लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए. मोस्टली जीडी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को कि स्टार्ट कैसे करें, तो दैट इज़ लीडरशिप क्वालिटीज़, कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे वो कॉन्वर्जेशन बढ़ानी है आगे, वो कॉन्वर्जेशन ख़त्म नहीं होनी चाहिए. ठीक है, टीम मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए. ठीक है, कि आप उस पूरे ग्रुप को साथ में रखें, वो कोई उसमें से लड़ाई ना करे या कोई कुछ ना करे. ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए. ठीक है, तो इसके अंदर प्रोसेस होता है बेसिकली पूरा का पूरा जीडी का, कि आप पहले एक इनिशिएट करते हो, फिर आप उसके ऊपर पूरा का पूरा डिस्कशन करते हो, और लास्ट में अगर आपने तभी भी उस इनिशिएशन प्रोसेस के अंदर या बीच में डिस्कशन के अंदर कुछ नहीं बोला, तो आप लास्ट में समराइज कर सकते हो. ठीक है, दिस इज द मेन थ्री थिंग्स जो आप जीडी के अंदर जो लोग देखते हैं. ठीक है, या तो आप इनिशिएट करो, या तो आप वो जीडी शुरू करो. ठीक है, अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो आप उस टॉपिक पे बोलना सबसे पहले शुरू करो, दैट इज इनिशिएशन. बॉडी के अंदर आ जाता है कि आप बाकी सारे जब लोग डिस्कस कर रहे हो तो आप डिस्कशन के अंदर पार्ट लो, या एंड में आप उसका कंक्लूजन निकालो या उसको समराइज करो. ठीक है, ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट है जीडी के बाद समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग. ठीक है, ये आपकी रीडिंग स्किल्स के ऊपर होता है. ठीक है, कि आप समरी कैसे लिख रहे हो और आप पैराफ्रेज कैसे लिख रहे हो, इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन आया है आज तक कि डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में. ठीक है, तो हम वहां तक जाएंगे. ठीक है, तो कि डिफरेंस क्या होता है, समरी क्या होती है और पैराफ्रेज क्या होता है. ठीक है, तो समरी सबको पता है समरी क्या होती है. अगर एक आपके पास बहुत बड़ी सी नॉवल है, 500 पेजेस की नॉवल, तो आप उसकी समरी पढ़ते हो सबसे पहले, राइट? आप बुक नहीं पढ़ते, आप समरी पढ़ते हो. तो समरी उसका शॉर्टर वर्जन होता है, उसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो भी उसके अंदर हुई है. इंपॉर्टेंट आलतू फालतू नहीं होगी स्टोरी की, लेकिन जो मेन मेन चीजें हैं वो सारी की सारी समरी के अंदर होगी, और वो बहुत छोटा होगा. समरी का पार्ट ही यही होता है कि वो छोटा हो, वो कंसाइज हो. ठीक है, तो दैट इज समरी बेसिकली. इट इज अ शॉर्टर वर्जन ऑफ अ लॉन्गर टेक्स्ट. ठीक है, पर वो आइडिया वही देता है कि हाँ क्या स्टोरी चल रही है. ठीक है, जैसे अगर हमने कोई शेक्सपियर का प्ले पढ़ा, ठीक है, या रोमियो जूलियट पढ़ा, उसकी समरी पढ़नी है. रोमियो जूलियट सारे के सारे सबको पता होगा, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया, मोस्टली लोगों को पता होगा. ठीक है, तो बेसिकली अगर उसकी हमें समरी लिखनी है तो हम नॉर्मली बहुत ही शॉर्ट वर्जन के अंदर पूरी समरी बता सकते हैं. वी वोंट केयर कि वो कहाँ पे जा रहे थे या वो कैसे मिले. ठीक है, हम इतना ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास क्या होगा कि हाँ उनकी फैमिली के अंदर फ्यूड था और वो दोनों एंड में मर गए. तो दैट इज अ शॉर्टर वर्जन, दैट इज समरी. ठीक है, तो समरी बनाते कैसे हैं हम, बेसिकली सबसे पहले आपको वो टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा. अगर आपके पास कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है और उसके अंदर वो आपको क्वेश्चन देते हैं कि आप समरी बनाओ इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले ये काम नहीं चलेगा कि आप उस क्वेश्चन देख के आंसर वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो. पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के उसके मेन मेन आइडियाज निकाल लो. ठीक है, कि इंपॉर्टेंट मेन मेन, ठीक है, सबसे मेन आइडियाज निकालने हैं कि सारे के सारे बेसिकली जिस्ट जो होता है उसका वो कवर हो जाए. ठीक है, अननेसेसरी डिटेल्स को हटा देना है और फिर उनको लॉजिकल सीक्वेंस यानी कि स्टोरी वाली सीक्वेंस के अंदर जो हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन के अंदर है उसी के अंदर आपको अरेंज कर देना है. लेकिन वो शॉर्टर वर्जन होना चाहिए, उस कॉम्प्रिहेंशन से छोटा वाला वर्जन होना चाहिए. ठीक है, तो समरी मोस्टली हमारे अपने वर्ड्स के अंदर होती है, हम उसके अंदर टेक्स्ट का वर्ड नहीं लेते. ठीक है, टेक्स्ट की लैंग्वेज नहीं लेते जिस लैंग्वेज में वो टेक्स्ट लिखा होता है. ठीक है, हम उसे अपने वर्ड्स के अंदर लिखते हैं. ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है समरी लिखते हुए, कि आपको सबसे पहले बात कंसाइज रहना है, आपको शॉर्ट इंफॉर्मेशन देनी है, आपको अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं देनी. ठीक है, और ये एक इंडिपेंडेंट पीस ऑफ राइटिंग होता है, वही जो मैंने बताया कि आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर वो लिखना है. ठीक है, आप
बुक की लैंग्वेज के अंदर ऑब्वियसली, अगर कोई बुक है वो स्टोरी लिख रखी है उसके अंदर उसने, तो आप स्टोरी की लैंग्वेज में तो नहीं लिखोगे, राइट? आप अपनी लैंग्वेज में उसे समराइज करोगे, ठीक है? आप उस अपनी लैंग्वेज में उसे समझाओगे कि उस स्टोरी के अंदर क्या हो रहा था, ठीक है? एंड द राइटर शुड नॉट कॉपी वर्ड्स, आपको कॉपी नहीं करने उधर से वर्ड्स या सेंटेंसेस, ठीक है? वरना वो प्लेजरिज्म के अंदर आता है, तो आप कॉपी नहीं कर सकते हो, आप उसको उसे अपने वर्ड्स में समझाना है, ठीक है? और कोई एब्रीविएशंस यूज नहीं कर सकते हो, नोट मेकिंग नहीं है ये, ठीक है? जो हमने 12th में नोट मेकिंग करी थी वो नहीं है, यहाँ पे समरी है, उसके साथ में हमने समरी भी करी थी कि समरी कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे कोई एब्रीविएशंस और स्लैंग्स यूज नहीं होंगे, ओके? फिर हमारे पास आता है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग क्या होता है? इसके अंदर हम सेम टेक्स्ट का हर एक आइडिया प्रेजेंट करते हैं बेसिकली। पैराफ्रेज का मतलब होता है कि हम हर एक लाइन को अपने वर्ड्स के अंदर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ही क्लोज डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, समरी और पैराफ्रेज के अंदर। पैराफ्रेज के अंदर लेकिन क्या होता है कि हम उसके अंदर लेंथ नहीं देखते, ठीक है? हम सिर्फ रीस्टेट कर रहे हैं जो उसने कहा, जैसे जैसे कहा, हम सिर्फ उसको दूसरे वर्ड्स में समझा रहे हैं, यानी कि हम सिनोनिम्स यूज कर रहे हैं, ठीक है? सेम वर्ड्स, मतलब वर्ड्स का सेम मीनिंग जैसे चीज होती है सिनोनिम्स, ठीक है? हम उनको यूज कर रहे हैं, हम रीस्टेटमेंट कर रहे हैं ऑफ द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट विद डिफरेंट वर्ड्स, ओरिजिनल वाले टेक्स्ट नहीं, डिफरेंट वर्ड्स के साथ, ठीक है? फिर हम पैराफ्रेज करते कैसे, ऑब्वियसली आपको ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको उसके आइडियाज अपने लैंग्वेज में लिखने पड़ेंगे या डिफरेंट लैंग्वेज में लिखने पड़ेंगे हम उसके अंदर। और हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमें पैराफ्रेजिंग में अपना सोर्स साइट करना होता है, साइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमने ये चीज, ये आइडिया कहाँ से लिया। पैराफ्रेज का बेसिकली मतलब होता है कि हम कॉपी कर रहे हैं किसी आइडिया को, ठीक है? समरी के अंदर हम कॉपी नहीं कर रहे, समरी के अंदर हम सिर्फ समझा रहे हैं कि उधर क्या हुआ, ठीक है? पैराफ्रेज के अंदर हम वो पूरा का पूरा आइडिया कॉपी करते हैं अपनी लैंग्वेज में, पर ठीक है? तो वो प्लेजरिज्म में आ जाता है, इसलिए हमें अपने साइट करने पड़ते हैं सोर्स, इसलिए हमें साइटेशन डालनी पड़ती है, ठीक है? तो ऑब्वियसली पैराफ्रेज शुड हैव सेम सेंस दैट ऑफ द ओरिजिनल। ओरिजिनल टेक्स्ट का जो स्ट्रक्चर है, जो स्टाइल है, वैसा ही पैराफ्रेजिंग के अंदर होता है, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करना पड़ता है उसका, ठीक है? आपको सिनोनिम्स यूज करने हैं और आपको साइटेशंस डालनी है, ठीक है? डिफरेंस क्या होता है समराइजिंग और पैराफ्रेजिंग के अंदर? समराइजिंग के अंदर हम उस टेक्स्ट को छोटा करते हैं, ठीक है? उस टेक्स्ट को शॉर्ट में समझाते हैं, ठीक है? पैराफ्रेज के अंदर हम सिर्फ रीवर्डिंग करते हैं, हम सिर्फ उसको रीवर्ड, मतलब रीस्टेटमेंट कर रहे हैं उसकी, ठीक है? तो समरी जो होती है वो काफी कंसाइज होती है, छोटी होती है, और जो पैराफ्रेज होता है उसके अंदर कोई लेंथ लिमिट नहीं होती, ठीक है? उसकी कोई लेंथ लिमिट नहीं होती, वो कैसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है? प्लस समरी जो होती है वो सारे के सारे मेन आइडियाज समझाती है, लेकिन पैराफ्रेज के अंदर हम सिर्फ थोड़े मेन पॉइंट्स लेते हैं, सारे मेन पॉइंट नहीं लेंगे हम, थोड़े थोड़े जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ वो वाले मेन पॉइंट्स लेके उसको पैराफ्रेज, वही आइडिया अपने वर्ड्स के अंदर अपना बना के बताएंगे, ठीक है? फिर आपके पास आता है ट्रांसलेशन। अब आपने कम्युनिकेशन कर ली, आपने लैंग्वेज कर ली, ठीक है? तो हम ट्रांसलेशन का क्या रोल है इसके अंदर, इंग्लिश कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है? कि एक मैसेज को, अब ऑब्वियसली अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसके अंदर ट्रांसलेशन का इंपॉर्टेंट रोल होगा, कि व्हाट इफ कि हमें हिंदी आती हो और आपको सिर्फ इंग्लिश आती हो, तो मुझे ट्रांसलेट करना पड़ेगा अपना सारा का सारा लेक्चर इनटू इंग्लिश, ठीक है? ताकि मेरे लिसनर को समझ आ सके, ठीक है? तो ट्रांसलेशन में बेसिकली दो तरीके की लैंग्वेज होती है, एक होती है ओरिजिनल लैंग्वेज, ठीक है? ओरिजिनल लैंग्वेज को हम बोलते हैं सोर्स लैंग्वेज, जो हमारा सोर्स है जहां से हम ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है? और जो हमारी लैंग्वेज जिसके अंदर हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है? इसका सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज इन विच मैसेज इज कन्वर्टेड इज नोन एज टारगेट लैंग्वेज। वो हमारी टारगेट लैंग्वेज होती है कि कौन सी लैंग्वेज के अंदर हमें हमें ट्रांसलेट करना है, टारगेट क्या है हमारा, कौन सी लैंग्वेज का टारगेट है कि जिसके अंदर हम उसे ट्रांसलेट करें, ठीक है? तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग बायलिंगुअल होते हैं या मल्टीलिंगुअल होते हैं, यानी कि उनको एक से तो ज्यादा ही लैंग्वेज हर किसी को आती होती है, ठीक है? तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, एवरीडे लाइफ में हम डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करते हैं, ठीक है? और हम मोस्टली जो लोग बायलिंगुअल होते हैं, ठीक है, जो लोग फ्लुएंट है दोनों लैंग्वेजेस के अंदर, तो वो मोस्टली मिक्स कर देते हैं उन लैंग्वेजेस को, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं कोड मिक्सिंग। कोड मतलब कोड यहाँ पे है लैंग्वेज, यानी कि हम लैंग्वेज को मिक्स करते हैं या उसको स्विच करते हैं, ठीक है? दो ही चीजें करते हैं, या लैंग्वेज को मिक्स करते हैं या उसको स्विच करते हैं, ठीक है? कोड स्विचिंग जो होता है, यानी कि लैंग्वेज स्विच होना, ठीक है, वो होता है पूरी की पूरी,
जब हम बेसिकली, जैसे अगर मैंने एक लाइन बोली दैट ड्यूरिंग अ कॉन्वर्सेशन अ पर्सन स्विचेस फ्रॉम वन डायलेक्ट या लैंग्वेज टू अनदर, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा डायलेक्ट ही चेंज कर देते हैं. ठीक है, एक लाइन अगर इंग्लिश में बोल रहे हैं तो दूसरी लाइन पूरी की पूरी हिंदी में बोलेंगे, तो वो कोड का स्विच होना हो गया, हम पूरी की पूरी तरह स्विच हो रहे हैं उसके. ठीक है, और कोड मिक्सिंग क्या हो गया, जब हम दो लैंग्वेजेस को मिक्स करके बोले, जैसे हम बोलते हैं हिंग्लिश जो हमारा नया लैंग्वेज है, ठीक है, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके बोल रहे हैं, दैट इज कोड मिक्सिंग. ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होता, स्विच के अंदर हम पूरी तरह स्विच हो जाते हैं और मिक्सिंग के अंदर हम दोनों को मिक्स करके बोलते हैं. ठीक है, फिर प्रोसेस क्या होता है ट्रांसलेशन का, हमेशा अगर हमें हमारे पास कोई सेंटेंस है जिसको हमें ट्रांसलेट करना है, या अगर हमारे पास उन्होंने हमें इंग्लिश में सेंटेंस दे रखा है क्वेश्चन के अंदर और उसको बोला है कि आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट करो, ठीक है, तो याद रखना है S+O+V. S+O+V यहाँ पे क्या मतलब है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड देन वर्ब. ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि आप पहले सब्जेक्ट डालोगे, ठीक है, किसके बारे में बोल रहे हो, ऑब्जेक्ट डालोगे और फिर वर्ब्स डालोगे. ये हिंदी में भी चलेंगे, ये इंग्लिश में भी चलेंगे, आपका मीनिंग सेम रहेगा, ठीक है, उसके अंदर. ओके, फिर ट्रांसलेशंस कितने कितने तरीके की होती है. ऑब्वियसली एक होती है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, जो हमारी लिटरल ट्रांसलेशन कहते हैं हम इसे. ऑब्वियसली हम इसे यूज नहीं करते क्योंकि हमारा मीनिंग कन्वे नहीं हो पाएगा. ठीक है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आपने बहुत सारे देखे होंगे अगर आप कभी YouTube वीडियो पे सॉन्ग्स सुन रहे हो. ठीक है, अगर आप YouTube वीडियो पे सॉन्ग्स सुन रहे हो एंड यू ट्राई टू पुट ऑन द कैप्शंस, ठीक है, अगर आप कैप्शन ऑन कर लो साथ में उन सॉन्ग्स के, तो वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं उन सॉन्ग्स को. ठीक है, वो ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड होता है. अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन सुन के देखो, दैट इज लिटरल ट्रांसलेशन. ठीक है, फिर दूसरी होती है सिमेंटिक ट्रांसलेशन. ठीक है, सिमेंटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ मीनिंग. ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन का क्या मतलब है कि आप एक सेंटेंस पढ़ रहे हो और फिर उसके मीनिंग को ट्रांसलेट कर रहे हो. ठीक है, जैसे अगर हमने बोला दैट राज इज होम, ठीक है, अब हम उसको लिटरल ट्रांसलेट नहीं करेंगे, हम कहेंगे राज घर पर है. ठीक है, राज इज होम, अगर हम उसको लिटरल ट्रांसलेशन कर दे तो क्या होगा, राज घर पर, समथिंग लाइक दैट, राइट, इज होम, तो राज पर घर, राइट, तो हम बेसिकली उसका लिटरल ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, हम उसको मीनिंग का ट्रांसलेट करेंगे. राज घर पर है, राज इज होम. ठीक है, दोनों के दोनों सेंटेंसेस बहुत अलग होंगे, लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होगा लेकिन मीनिंग सेम होगा. ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं वो क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन पूछ लेंगे कोड स्विचिंग कोड मिक्सिंग क्या होता है, तो आपको समझाना पड़ेगा कि ट्रांसलेशन क्या होता है, कौन सी लैंग्वेजेस होती है ट्रांसलेशन के अंदर, एंड देन कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग क्या होता है विद एग्जाम्पल्स. ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि सोर्स लैंग्वेज क्या होती है या टारगेट लैंग्वेज क्या होती है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी कम मार्क्स के आते हैं. ठीक है, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए ये सारे टर्म्स इसके अंदर. ठीक है, अब हमारे पास जो लास्ट चीज है ट्रांसलेशन के बाद है आपकी लेटर राइटिंग. डायलॉग राइटिंग आता है, स्पीच राइटिंग आता है, या लेटर राइटिंग आता है, तो आपका फॉर्मेट क्या होगा लेटर राइटिंग का, वो ये है कि आप पहले सेंडर का एड्रेस डालोगे, अपना एड्रेस, ठीक है, फिर आप एक लाइन छोड़ के डेट डालोगे, फिर रिसीवर का एड्रेस जिसको भेज रहे हो उसको डालोगे, ठीक है, अपना सब्जेक्ट लिखोगे, सैल्यूटेशन डालोगे, फिर आप बॉडी बनाओगे अपनी पूरी की पूरी. ठीक है, कि आप बेसिकली लेटर कैसे लिखोगे. ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग्स दोगे कि आई होप यू आर इन गुड हेल्थ, कि आई होप आई वुड गेट लिसन टू यू सून इनफ. ठीक है, पूरा डाल के अपना साइन और डेजिग्नेशन या सिग्नेचर करके आप लेटर लिख दोगे. अब लेटर के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, आप को एडिटर को लेटर लिखने को आ सकता है, आपको कोई कंप्लेंट लेटर लिखने को आ सकता है, या आपको जॉब एप्लीकेशन का लिखने को आ सकता है. अब आप एडिटर को और कंप्लेंट लेटर तो दोनों लिख सकते हो, बहुत आसान होते हैं. ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जॉब एप्लीकेशन के अंदर. ठीक है, जॉब एप्लीकेशन के अंदर सेम फॉर्मेट है. ठीक है, पहली चीज है सेम है, बॉडी तक सब कुछ सेम है आपके पास. ठीक है, आप सेंडर का एड्रेस डालोगे, डेट डालोगे, रिसीवर का एड्रेस डालोगे, सब्जेक्ट डालोगे, सब्जेक्ट के अंदर आप एप्लीकेशन में डालोगे अप्लाइंग फॉर द जॉब और समथिंग. ठीक है, जो भी जॉब है आपके पास क्वेश्चन में, तो आप उसका अप्लाई करोगे. ठीक है, फिर आप डालोगे उसकी बॉडी. ठीक है, बॉडी के अंदर आप अपनी बेसिकली इंपॉर्टेंट चीजें डालोगे, आप अपने क्वालिफिकेशंस, अचीवमेंट्स, ये सारी चीजें बताओगे, और मोस्टली चीजें क्या बताओगे कि आप क्यों एप्लीकेबल हो इस जॉब के लिए, आप वो बॉडी के अंदर डालोगे. ठीक है, फिर क्लोजिंग करोगे कि आई
आई होप दैट यू लाइक माई रिज्यूमे या यू लाइक माई सीवी, ठीक है. एंड लास्ट में बस ये मेंशन कर दोगे साइन करने के बाद कि आपने कुछ इनक्लोज किया है यहाँ पे, जो इनक्लोजर्स मैंने डाल रखे हैं, ठीक है, ये वाली जो चीज़ है इनक्लोजर्स, ठीक है. इनक्लोजर्स का मतलब होता है आपने इस एप्लीकेशन के साथ क्या क्या इनक्लोज किया है, ठीक है. मोस्टली बायोडेटा या सीवी जिसको हम बोलते हैं या रिज्यूमे, उसको हम इनक्लोज करते हैं. तो उसका फॉर्मेट आपको साथ में डालना है. इनक्लोजर के बाद आपको ये बायोडेटा या सीवी बना के रखना है जॉब एप्लीकेशन के अंदर. पूरा लेटर लिख के जॉब एप्लीकेशन में आप बायोडेटा बना के आओगे, ठीक है, जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक बना दिया है, ठीक है, जिसके अंदर आप अपना नाम डालोगे, अपने फादर का नाम डालोगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओगे, ठीक है, अपना एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये पहली चीजें इसी सीक्वेंस में रहेंगी. फिर अपना मैरिटल स्टेटस, आपकी एज, आपका नेशनैलिटी, आपको कोई लैंग्वेजेस आती हैं कि नहीं, ठीक है, ये सारी चीज़ें अलग से बताओगे. फिर अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस बताओगे, ठीक है, फिर अपनी हॉबीज, आपकी स्ट्रेंथ्स, ठीक है, और अपने रेफरेंसेस दोगे. रेफरेंसेस हमेशा दो रेफरेंसेस देने होते हैं. रेफरेंसेस का मतलब होता है बेसिकली कि आप लोग क्या उनको बताना चाहते हो, ठीक है, या क्या उनसे मतलब आपके लिए कोई रेफर कर सकता है कि हाँ आप बहुत अच्छे पर्सन हो या आपकी स्ट्रेंथ्स यही हैं जो आपने लिखी हैं, ठीक है. तो मोस्टली वो प्रिंसिपल्स होते हैं या आपने कहीं प्रीवियस जॉब कर रखी होती है, वो वाले उनके हेड होते हैं जो रेफरेंस के अंदर आते हैं, ठीक है. तो आपको बायोडेटा जॉब एप्लीकेशन के बाद जब आप इनक्लोज करोगे उसे, उसके बाद आपको बायोडेटा बना के आना है, ठीक है. तो इसकी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है. अब आई गेस हम We would open the platform for question answers. अगर आपको कुछ भी जानना है, ठीक है, एक बार मैं देख लेती हूँ अभी इस इतने तक पॉइंट में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बाद हम सैम्पल पेपर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है. अगर अभी सिर्फ जितना मैंने अभी तक यहाँ पे पढ़ाया है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी मुझसे पूछ लो, ठीक है. सी ओके, कम्युनिकेशन चैप्टर कौन सी इंग्लिश का है? यहाँ पे कोई इंग्लिश ABC नहीं है, ये आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स है, ये आपका इम्पॉर्टेंट कोर्स है, ये मतलब कंपलसरी कोर्स है, इसका पेपर अलग से आता है, ठीक है. आपका बाकी ABC के अंदर बाकी सारी चीज़ें आती है, फ्लुएंसी, प्रोफिशियंसी, वो अलग है, ठीक है. एग्जाम मटेरियल से ऑब्वियसली आप उसे पढ़ सकते हो ताकि आपको और ज़्यादा बहुत मतलब बेसिकली वो चीज़ें मिल जाएं, क्या कहते हैं, मैंने वैसे सारी की सारी जो आपको PDFs भेजी है उसके अंदर सब कुछ इंक्लूड किया है, लेकिन अगर आपको फिर भी वर्ड्स नहीं मिलते और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए तो आप अपने नोट्स, आपके जो SOL के नोट्स हैं आप उनको रेफर कर लीजिए, ठीक है. वेल आई गेस अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी. मैंने पूरी की पूरी तीनों दिन में मैंने जो जो पढ़ाया है मैंने वो सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं. ओके तृप्ति, कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग क्लियर नहीं हुआ आई गेस, ये लिखा है तुमने, ठीक है. कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग के अंदर हम ट्रांसलेशंस के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है. कोड मिक्सिंग का मतलब होता है कि आप दो लैंग्वेजेस को मिक्स करके बोल रहे हो, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई वुड टॉक इन अ कोड मिक्सिंग, मतलब इतनी देर से जब मैं बोल रही हूँ तो दिस इज कोड मिक्सिंग. कभी मैं इंग्लिश यूज कर रही हूँ, कभी मैं हिंदी यूज कर रही हूँ, मैं दो लैंग्वेजेस को मिक्स करके यूज कर रही हूँ. एक ही सेंटेंस के अंदर हम दो लैंग्वेजेस का मिक्स कर लें तो वो कोड मिक्सिंग हो जाता है, ठीक है. जो मैंने बताया था आपको, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं या हम जो टाइप करते हैं इंग्लिश, राइट, हम टाइप कर रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं लेकिन मतलब हिंदी वाले वर्ड्स लिख रहे हैं लेकिन इंग्लिश में लिख रहे हैं, दैट इज कोड मिक्सिंग, ठीक है. और कोड स्विच के अंदर हम पूरा का पूरा स्विच कर जाते हैं. अगर मैं कोई ये वाली लाइन पूरी की पूरी हिंदी में बोल रही हूँ सो नेक्स्ट लाइन आई वुड बी स्पीकिंग वुड बी इन इंग्लिश, ठीक है. वो दो सेंटेंसेस अलग अलग लैंग्वेज के अंदर होते हैं, उसके अंदर कोई मिक्स नहीं हो रहा था. एक सेंटेंस हिंदी में होगा तो दूसरा सेंटेंस इंग्लिश में हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो कंप्लीट सेंटेंसेज होंगे, इंडिविजुअल सेंटेंसेज होंगे, ठीक है.
पेपर फॉर्मेट अभी हम सैम्पल पेपर्स डिस्कस करेंगे, उसके अंदर आई वुड टेल यू कि आपको कितने पेजेस का लिखना है या कितना बड़ा आंसर लिखना है, ठीक है. लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आपको जितना आता हो आप उतना लिख के आओ, ठीक है. एग्जाम्पल ऑफ कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग मैंने अभी अभी दिया है, ठीक है. और आपको पीडीएफ आपके ग्रुप पे मिल जाएंगी, यहाँ पे फाइल्स के अंदर मेंशन है, ठीक है. आप फाइल्स पे जाओ, अपनी एक्टिविटी के ऊपर जाओ, वहाँ पे आपका एक ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी, ठीक है. और अगर आपको कोई बुक भी लेनी है तो आपको मोस्टली ये बुक वहाँ पे मिलती है, क्या कहते हैं, SOL के बाहर ही मिलती है, ठीक है, इंग्लिश कम्युनिकेशन की बुक, ठीक है. पर अभी तो वो खुला नहीं हुआ तो अभी आपको नहीं मिल सकती. अगर जिसके पास है तो आपको आई गेस मनोज कुमार गर्ग की मिलेगी, ठीक है. मैंने आपको पहले उसके अंदर ही दिखाया था, ठीक है. कोड मिक्सिंग मैंने ऑलरेडी फिर से बता दिया, आप दो कोड्स को मिक्स करके लिखते हो. व्हेन यू आर, फॉर एग्जांपल, व्हेन आई एम स्पीकिंग दिस सेंटेंस या आई एम टीचिंग यू, मैं कोड मिक्स कर करके पढ़ा रही हूँ. मैं एक ही सेंटेंस के अंदर दो लैंग्वेजेस का यूज कर रही हूँ. समझना है आपको कि वो सेंटेंस की बात कर रहा है. यहाँ पे ट्रांसलेशन हम सेंटेंस वाइज जाते हैं, ठीक है. तो कोड मिक्सिंग का क्या मतलब होता है तृप्ति, बेसिकली कि हम क्या कर रहे हैं कोड मिक्सिंग के अंदर, हम एक सेंटेंस के अंदर ही दो लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं. कोड स्विचिंग के अंदर हम डिफरेंट सेंटेंस ले रहे हैं लेकिन अलग अलग लैंग्वेज है. एक हिंदी में सेंटेंस होगा तो दूसरा सेंटेंस इंग्लिश में होगा, ठीक है. ग्रेपवाइन इंटरनल कम्युनिकेशन, ठीक है, ठीक है. ग्रेपवाइन इंटरनल कम्युनिकेशन जो होता है बेसिकली वो होता है, वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. अब हमने ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के अंदर किया देखा था, ठीक है, कि सारा का सारा कम्युनिकेशन पूरा क्या हो रहा है, फॉर्मल वे में हो रहा है, ठीक है. कभी डायगनल हो रहा है, कभी वर्टिकल हो रहा है, कभी इंटरनल मतलब हॉरिजॉन्टल हो रहा है, राइट. पर ग्रेपवाइन बहुत इनफॉर्मल होता है. ग्रेपवाइन का बेसिकली इसलिए मैंने उसमें लिखा हुआ है कि ग्रेपवाइन को समझने के लिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है रूमर्स. रूमर्स कैसे फैलते हैं, रूमर्स कोई लिख के नहीं देता, कोई ऑफिशियल लेटर पे लिख के नहीं देता, राइट. तो बहुत इनफॉर्मल होता है, कहीं से कहीं पे भी बात पहुंच जाती है और किसी के पास भी पहुंच जाती है. दैट इज रूमर्स, दैट इज ग्रेपवाइन. आपको ग्रेपवाइन अगर समझना है तो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एक अंगूर, बेसिकली अंगूर का पूरा गुच्छा देखा है, उसकी सारी की सारी जो डंडियां होती है वो कहीं कहीं जा रही होती है, ठीक है. तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस और ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है. ओके, जब मैंने आपको बताया था कि आप नॉन इंटरैक्टिव होती है यूट्यूब वीडियोस, वहां पे कमेंट सेक्शन होता है, पर हर कोई जो देख रहा होता है या जिसने यूट्यूब वीडियो बनाई है, ठीक है, वो हर कमेंट को नहीं देखता, ठीक है. उस तक आपका मैसेज या उस तक आपका फीडबैक नहीं पहुंचता. कभी तुमने देखा है कि यूट्यूब वीडियोस के ऊपर अगर किसी के बहुत सारे व्यूज हैं लेकिन उतने सारे कमेंट्स नहीं होंगे, तो जब एक एक इंसान जब तक उसको वापस बेसिकली इंटरैक्ट नहीं करेगा तब तक वो एक इंटरैक्टिव सेशन नहीं बनेगा. जब तक वो इंसान आपके उसी वक्त डाउट्स क्लियर करे या उसी वक्त आपके क्वेश्चंस को देखे कि हाँ आप कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो, तब तक वो इंटरैक्टिव सेशन नहीं है, ठीक है. जैसे अगर मैं अभी आपके कमेंट्स देखकर आई एम आंसरिंग यू, ठीक है, मैं आई एम ट्राइंग कि मैं एक एक बच्चे को आंसर करूँ, ठीक है, लेकिन ये पार्शली इंटरैक्टिव है क्योंकि उससे पहले आपने पूरा का पूरा लेक्चर सुना है, ठीक है. बॉडी लैंग्वेज, ओके, मैं एक बारी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर फिर से बोलती हूँ. सिमेंटिक ट्रांसलेशंस, जब हम सिमेंटिक ट्रांसलेशंस के अंदर ही मैंने समझाया था कि हमारे पास हम वर्ड्स को ट्रांसलेट करते हैं, मीनिंग को ट्रांसलेट करते हैं. वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता, मीनिंग होता है. अगर आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करना है तो आप यूट्यूब वीडियोज पे सॉन्ग्स के अंदर जाके आप सिंपल जाके कैप्शन ऑन कर लीजिए, वो वर्ड टू वर्ड आपको वो देगा. जो वो सॉन्ग के अंदर गा रहा है उसका मीनिंग नहीं पता चलेगा आपको, ठीक है. लेकिन सिमेंटिक ट्रांसलेशन के अंदर हमें मीनिंग पता चलता है, ठीक है. सिमेंटिक ट्रांसलेशन के अंदर हमें मीनिंग पता चलता है. अगर हम कोई सॉन्ग का मीनिंग है उसको इंग्लिश में बताना भी चाहते हैं, कोई हिंदी में सॉन्ग है, तो हम उसका मीनिंग ट्रांसलेट करेंगे, हम उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करेंगे. तो जब हम मीनिंग ट्रांसलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं सिमेंटिक ट्रांसलेशन, ठीक है. ओके, मिसकम्युनिकेशन,
मिसकम्युनिकेशन अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो मिसकम्युनिकेशन का मतलब होता है जब कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर आ जाता है. ऑब्वियसली जब कम्युनिकेशन पूरी नहीं हो पाती वो मिसकम्युनिकेशन होता है. ठीक है ओके. और जब मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं मिसकम्युनिकेशन होने के, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जो मैंने बताए थे, नॉइजेस होती हैं. ठीक है, वो मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि बहुत सारे नॉइजेस होते हैं जिससे मिसकम्युनिकेशन होता है. लेकिन उस कम्युनिकेशन को ओवरकम करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हमारे पास 7 C होते हैं. ठीक है, 7 C's होते हैं, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए होते हैं कि आपका मैसेज कंप्लीट होना चाहिए. सी का मतलब है वो सातों चीजें बेसिकली सी लेटर से शुरू हो रही हैं. ठीक है, तो कंप्लीट होना चाहिए, कंसाइज छोटा होना चाहिए. ठीक है, क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए. ठीक है, और कंसिडरेशन. ठीक है, एक इंसान को दूसरे इंसान से कंसिडर करके रहना चाहिए, कर्टिसी होनी चाहिए, पोलाइटनेस होनी चाहिए. कर्टिसी का मतलब होता है पोलाइटनेस होनी चाहिए. तो ये सारी चीजें 7 C's के अंदर आती हैं. मोर एग्जाम्पल्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन अभी ओके. वर्बल कम्युनिकेशन कि और कितने एग्जाम्पल्स चाहिए? देखो, वर्बल कम्युनिकेशन इज ओरल और इट इज रिटन. अभी मैं बोल रही हूँ आपसे तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसमें आप वर्ड्स का यूज करते हो, जिसमें आप वर्ड्स का यूज करते हो वो वर्बल कम्युनिकेशन होती है. उसका और कोई एग्जाम्पल नहीं होता. ठीक है, और नेक्स्ट क्लास नहीं होगी, ये आपकी लास्ट क्लास है, इसलिए बोल रही हूँ जितने डाउट्स है पूछ लो, अभी पूछ लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, उसके बाद आप मुझे मैसेज कर सकते हो इधर मैं, लेकिन फिर आपको पर्सनली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, एक एक बच्चे को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी. ठीक है ओके. इज एक्सप्लेन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटर का मतलब होता है एक दूसरे के साथ. ठीक है, इंटरपर्सनल, जब एक इंसान दूसरे ह्यूमन बींग से कम्युनिकेट कर रहा हो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है. ठीक है, इवैल्यूएटिव लिसनिंग. पवन, इवैल्यूएटिव लिसनिंग का बेसिकली मतलब होता है कि आप जैसे अभी लेक्चर सुन रहे हो तो आप इवैल्यूएट कर रहे हो, आप समझ रहे हो साथ साथ में. ठीक है, और फिर आपको डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो आप इवैल्यूएट कर रहे हो, यानी कि एनालाइज कर रहे हो. ठीक है, पेपर्स आपके मोस्ट प्रोबेबली अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो प्लीज. अक्षता, वहां पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा कि मिस कम्युनिकेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है. मिस कम्युनिकेशन का मतलब ही यही है. अगर आप मीनिंग उसका ढूंढोगे, मिस कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कम्युनिकेशन अच्छे से होना चाहिए. दो यही डिफरेंसेस हैं. ठीक है, हाँ, राइटिंग स्किल्स के अंदर आपके उस नोट मेकिंग नहीं आएगा, सीवी आपका जॉब एप्लीकेशन के साथ ही आएगा. ठीक है, लिखने के लिए तो अभी हम जब पेपर डिस्कस करेंगे तो आप उसमें देखना कि उन्होंने कैसे क्वेश्चंस दिए हैं. ठीक है, सोर्स लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज बहुत इजी है. सीनो देखो, सोर्स लैंग्वेज बेसिकली कैसे आप बोलोगे कि क्या सोर्स है, सोर्स का मतलब क्या होता है, कि कहाँ से वो आया है. ठीक है, जिस लैंग्वेज को हमें ट्रांसलेट करना है. ठीक है, अगर हमारे पास हिंदी लैंग्वेज है और हमें उसको एक सेंटेंस है हिंदी में और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो हिंदी लैंग्वेज जहाँ से हम ट्रांसलेट कर रहे हैं वो हमारा सोर्स हुआ, और जहाँ पे जिस चीज़ में हमें उसे ट्रांसलेट करना है वो हमारा टारगेट हुआ, कि टारगेट क्या है कि उसमें ट्रांसलेट करना है. ठीक है, तो इंग्लिश टारगेट लैंग्वेज हो गई, हिंदी सोर्स लैंग्वेज हो गई. ठीक है, पार्शल कम्युनिकेशन जैसी कोई चीज़ मैंने नहीं समझाई अभी. पार्शल कम्युनिकेशन नहीं है वो बेसिकली, पार्शली इंटरैक्टिव सेशंस रहते हैं, स्पीकर स्पीकिंग होती है. पार्शली इंटरैक्टिव स्पीकिंग का मतलब होता है जहाँ पे स्पीकर ज़्यादा बोल रहा होता है, ये अभी पार्शली इंटरैक्टिव स्पीकिंग है, जिसके अंदर मैंने पहले पूरा लेक्चर दिया है फिर आप लोग मुझसे बात कर रहे हो. ठीक है, जिसके अंदर लिसनर जो होता है वो सिर्फ अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है. ठीक है, समरी एंड पैराग्राफ के अंदर डिफरेंस मैंने एक और बार समझाया था. ठीक है, देखो, पैराग्राफ के अंदर पैराफ्रेजिंग, समरी का मतलब होता है, समरी हम शॉर्ट वर्जन के अंदर लिखते हैं, हम वो पूरी स्टोरी बहुत ही शॉर्ट वर्जन के अंदर समझाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपके बहुत ही लंबी लंबी स्टोरीज होती हैं, या चिल्ड्रन बुक्स होती हैं. ठीक है, चिल्ड्रन की छोटी छोटी बहुत अच्छी लंबी स्टोरीज होती हैं, या सबने पढ़ी होगी अकबर बीरबल की स्टोरीज. ठीक है, जो स्टोरीज आती हैं उनकी, अब वो क्या करते हैं, अकबर बीरबल की इतनी बड़ी स्टोरी
ठीक है, आप अगर किसी बच्चे को समझा रहे हो या बताने सुना रहे हो उसे स्टोरी, तो आप समराइज करके बताओगे कि हाँ ये हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ठीक है, दैट इज समरी। इससे ज्यादा इजी एग्जाम्पल, आप मूवीज देखने जाते हो, उस मूवी की पूरी आप किसी को स्टोरी समझा रहे हो, तो एक एक चीज नहीं बताओगे कि हाँ अब वो ऐसे गया, यहाँ पे गया, ये तो नहीं बताओगे, आप उसको सिंपल सिर्फ उसकी स्टोरी समझाओगे, दैट इज समराइजिंग, आप समरी बता रहे हो उस मूवी की, ठीक है। पैराफ्रेज होता है, आप उस मूवी को उस मूवी की तरह एक और मूवी बना लो, कॉपी कर लो उस मूवी का आइडिया कि जो जो उसके अंदर हो रहा था वो सेम चीज दूसरी मूवी के अंदर हो रही है, ठीक है। जब हम किसी मूवी का, बेसिकली साउथ इंडियन मूवीज का, बॉलीवुड मूवीज कॉपी करती हैं, ठीक है, एक्टर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, सीन्स अलग होते हैं, लेकिन स्टोरी सेम रहती है, वो पैराफ्रेज होता है, ठीक है, समझ आया। तो ये मेन डिफरेंस है इसके अंदर, मूवीज के हिसाब से समझ लो तुम इसे। ओके, अभी क्वेश्चंस हम देखेंगे कि आपके पास क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। एकेडमिक राइटिंग एंड कॉम्पोजिशन इंग्लिश आपके पास नहीं आएगी, आपके पास राइटिंग स्किल्स आएंगी, ये बहुत ईजी सा है, जो जो मैंने करवाया है आपके पास वहीं से क्वेश्चंस आएंगे, और आपने लिटरली तीनों की तीनों क्लासेस बहुत अच्छे से ली होंगी, तो आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो करवाया है उसी के अंदर से क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, ठीक है। सत्यम, मुझे तुम्हारा क्वेश्चन नहीं दिख रहा, तो प्लीज़ एक और बार भेज देना, आई हैव नो आइडिया कि आप क्या पूछ रहे हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास, वहां से ऑलमोस्ट हमेशा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन यानी कि एक कंपनी के अंदर कम्युनिकेशन कितने तरीकों से होता है, या तो वो वर्टिकल होगा, वर्टिकल की क्या डायरेक्शन होती है, सीधी डायरेक्शन, ठीक है, या ऊपर जा रहा होगा या नीचे आ रहा होगा, यानी कि कोई छोटा इंसान प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश कर रहा होगा, या प्रिंसिपल किसी अपने सबॉर्डिनेट से बात करने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल होता है स्ट्रेट लाइन, जब सेम डिपार्टमेंट के लोग यानी कि सिर्फ डिपार्टमेंट हेड्स कम्युनिकेट कर रहे होंगे, या सिर्फ कॉलीग्स कम्युनिकेट कर रहे होंगे, ठीक है, या सिर्फ बॉसेस कम्युनिकेट कर रहे होंगे, वो हॉरिजॉन्टल होता है। और डायगनल होता है जब कोई कॉलीग, एक डिपार्टमेंट का कॉलीग दूसरे डिपार्टमेंट से बात करने जाता है, ठीक है, या दूसरे डिपार्टमेंट हेड से बात करने जाता है, अपने बॉस से नहीं करता, दूसरे डिपार्टमेंट के बॉस से करता है, ठीक है, वो डायगनल जा रहा होता है, ठीक है। इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल एंड हाँ ठीक है, जो हमारा तीन तरीके की कम्युनिकेशन, एक्स्ट्रा, ठीक है, जो मैंने बताया था, ठीक है, एक्स्ट्रा को आपको लर्न करने के लिए समझाया है मैंने, प्लीज इसको आंसर में मत लिखना, सिर्फ लर्न करने के लिए समझाया है कि एक्स्ट्रा क्या होता है, कि कोई भी चीज अलग है आपसे, तो ह्यूमन स्पीशीज के अलावा आप किसी और स्पीशीज या किसी मशीन से कम्युनिकेट करोगे तो वो एक्स्ट्रा पर्सनल होगी, ठीक है। इंट्रा पर्सनल, आप अपने आप से बात करते हो, मोनोलॉग्स, सोलिलोक्वीज, आप अपने आप से बात कर रहे हो, ठीक है, वो आपका इंट्रा पर्सनल है, और इंटरपर्सनल एक दूसरे से बात कर रहे हो, ठीक है। ओके, विजुअल लैंग्वेज, जो आपने अभी सारी पीपीटी देखी और मैंने साथ साथ में समझाया, तो आप विजुअली देख रहे हो, या फिर आप चार्ली चैपलिन की साइलेंट मूवीज देखो, ठीक है, वहां पे कोई वर्बल लैंग्वेज का यूज नहीं हो रहा, कोई वर्ड्स का यूज नहीं हो रहा, सिर्फ विजुअली आपको समझाया जा रहा है, आपको मैसेज कॉम्युनिकेट किया जा रहा है, ठीक है। मेरी पीडीएफ डिस्प्ले होनी चाहिए फाइल्स के ऊपर, बच्चों ने रेगुलर बेसिस के ऊपर उसके ऊपर वो अपलोड कर रही है वो, तो प्लीज चेक कर लो उन्हें, अगर नहीं मिलती तो मुझे मैसेज कर दो, मैं एक बार सेंड कर दूंगी, ठीक है। यस, आफ्टर राइटिंग जॉब एप्लीकेशन, मैंने बोला है कि जॉब एप्लीकेशन का पूरा फॉर्मेट बनाने के बाद, मतलब बॉडी और उसको साइन ऑफ करने के बाद, आपको बायोडेटा सीवी बनाना पड़ेगा, वही आपका पूरा जॉब एप्लीकेशन है, बिना सीवी या बिना बायोडेटा के जॉब एप्लीकेशन पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो इनक्लोजर लिख के कि यू हैव इनक्लोज्ड योर बायोडेटा करके, फिर आप बायोडेटा नीचे बनाओगे, क्लास 12th के अंदर करा होगा, याद करो प्लीज। ओके, प्रॉक्सिमस एंड स्पेस डिस्टेंसिंग, मतलब प्रॉक्सिमस का मतलब ही स्पेस डिस्टेंसिंग होता है, तो ये मैंने आपको बताया था कि आपकी डिफरेंट पर्सनालिटी से इसको समझने की कोशिश करो, कि आपका एक इंटीमेट लेवल होता है, कि आप सिर्फ अपने किसी एक बहुत ही क्लोज पर्सन से कैसे बात करते हो, या आप उसके सामने कैसे बिहेव करते हो, या कैसे कम्युनिकेट करते हो, फिर आप अपने पर्सनल लेवल पे कैसे कम्युनिकेट करते हो, यानी कि अपने पेरेंट्स से कैसे कम्युनिकेट करते हो, अपने सिबलिंग्स से कैसे कम्युनिकेट करते हो, वो आपका पर्सनल
दायरा है, ठीक है, स्पेस मतलब दायरा होना, राइट। तो अपना आपका पर्सनल स्पेस है वो, ठीक है। फिर आपका सोशल स्पेस आता है, आपके फ्रेंड्स, आपके कॉलीग्स, ठीक है, ये सारे आपके पर्सनल स्पेस पे हैं, सोशल स्पेस में है, ठीक है, कि आप वहां पे कैसे बात करते हो, आपकी पर्सनैलिटी उधर डिफरेंट हो जाती है, आपके इंटीमेट जो आपका जैसे लाइफ पार्टनर है, दैट इज योर इंटीमेट पार्टनर, ठीक है। तो आपका इंटीमेट स्पेस के अंदर आप कैसे बात करते हो, आपकी पर्सनल स्पेस पे कैसे बात करते हो, और आपके सोशल स्पेस पे कैसे बात करते हो, और पब्लिक में, पब्लिकली, पब्लिक स्पेस के अंदर आप कैसे बात करते हो, ठीक है। हाँ, वो सारी की सारी चीजें, लेटर राइटिंग के सारे फॉर्मेट सेम ही रहते हैं। आपने 12th के अंदर जितनी राइटिंग स्किल्स करी थी, उसी के अंदर से पेपर आता है। 12th में आपने एक समरी लिखने की कोशिश, समरी लिखवाई थी आपसे, नोट मेकिंग तो नहीं, समरी, ठीक है। समरी के साथ ही था नोट मेकिंग, लेकिन आपके पास समरी पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपके पास लेटर राइटिंग्स पे क्वेश्चन आ सकता है, कंप्लेंट लेटर्स, ग्रीवेंसेस लेटर्स, ठीक है, कोई भी लेटर आ जाएगा, एडिटर को लेटर, ठीक है। तो वो फॉर्मेट सेम रहेगा। एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन भी थी 12th के अंदर, ठीक है। कोई लेवल चेंज नहीं है, राइटिंग स्किल्स का कभी लेवल चेंज नहीं होता, फॉर्मेट सेम रहते हैं, ठीक है। ह्यूमन कम्युनिकेशन, एनिमल कम्युनिकेशन के अंदर कोई डिफरेंस? ओके, ह्यूमन, सी देखो, कोई डिफरेंस नहीं है ह्यूमन कम्युनिकेशन और एनिमल कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं है आपके पास कभी, ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल कि कम्युनिकेशन किसी भी तरीके से हो सकता है। मेन आपका एम जो है यहाँ पे इस सब्जेक्ट का, इस दिस की आप ये समझ सको कि कम्युनिकेशन कैसा भी हो सकता है, उसको कम्युनिकेशन ही कहेंगे। ह्यूमन बीइंग्स भी उन्हीं तरीकों से कम्युनिकेट करते हैं जैसे एनिमल्स करते हैं। अब माना हम एनिमल्स की लैंग्वेज नहीं समझ पाते, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, ठीक है, लेकिन वो कम्युनिकेट उसी तरीके से करते हैं। दे यूज देयर फेशियल एक्सप्रेशन, दे यूज देयर बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। वो टेल वैग कर रहे होते हैं, या अगर दुखी होते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ही पूरा सारी चीजें हमें कम्युनिकेट कर देती है, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग्स भी सेम चीजें यूज करते हैं, ठीक है। प्लीज मुझे पर्सनल मैसेजेस अभी मत करो क्लास के बीच में, वो पॉपअप हो जाता है और फिर डिस्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड कन्वर्जेशन। कम्युनिकेशन जो हमारा पूरा का पूरा ये टॉपिक ही है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही है। कम्युनिकेशन मतलब किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करना, बस अपना मैसेज पहुंचा देना, दैट इज कम्युनिकेशन, ठीक है। राधिका, आपका क्वेश्चन है ये कम्युनिकेशन का और कॉन्वर्जेशन का, ठीक है, कि आप अपना बेसिकली आप क्या कर रहे हो कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है, कि आप अपना सिर्फ आइडिया पहुंचा रहे हो। आपका काम है पहुंचाना उस आइडिया को, उस इंफॉर्मेशन, उस नॉलेज को दे देना, ठीक है, दैट इज कम्युनिकेशन। कॉन्वर्जेशन क्या होती है? एक बहुत ही इंटरैक्टिव कॉन्वर्जेशन, बातचीत करना, ठीक है, वो पूरी कॉन्वर्जेशन है, जब आपको दूसरा इंसान आपसे बात भी कर रहा हो, दैट इज कॉन्वर्सेशन, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटिंग लिसनिंग नहीं होती है, डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग इन द सेंस कि आप पार्शियल लिसनिंग कर रहे हो। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? जब आप प्री कंसीव नोशंस से सुन रहे हो कुछ, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास सिर्फ अभी आप मुझे अपने सिंपल सिंपल एक एक क्वेश्चन भेज रहे हो, सारे वेट करोगे कि नहीं मेरे क्वेश्चन का आंसर आएगा, राइट। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? प्री कंसीव नोशन के साथ हो कि नहीं मेरा आंसर आ जाएगा तो ही मैं सुनूंगा, वरना आप बाकी सारी चीजें नहीं सुनोगे तो आपको बेसिकली वो भी समझ नहीं आएगा, क्या पता आपके भी डाउट्स उसके साथ क्लियर हो रहे हो। तो डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग यही होती है, दैट इज प्री कंसीव नोशंस की लिसनिंग, ठीक है। मुझे पर्सनल मैसेज क्लास के बीच में मत करो बच्चों, प्लीज। क्लोज रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, ये मैंने करवाया नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझा देती हूँ। क्लोज रीडिंग होती है बहुत ही, आप जब पूरा डेप्थ में पढ़ रहे होते हो किसी चीज को, दैट इज क्लोज रीडिंग। एंड एक्सटेंसिव रीडिंग जब आप बहुत ऊपर ऊपर से सारी चीजें पढ़ रहे होते हो, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मोनोलॉग, डायलॉग, मोनोलॉग, मोनोलॉग के अंदर होता है आप अपने आप से बात कर रहे होते हो, एक कैरेक्टर जो है वो सिर्फ अपने आप से बात कर रहा है, अपनी स्पीच सुना रहा है, और डायलॉग दो लोगों के बीच में होता है। मैंने कल की क्लास में पूरा का पूरा वो किया था, मतलब सारी चीजें ली थी, ठीक है। और कोई क्वेश्चंस?
सिर्फ डाउट्स पूछने हैं अभी, प्लीज आज ही क्लियर हो जाए तो अच्छा है, ताकि बाद में आपको पढ़ने की भी जरूरत ना पड़े। मैंने पढ़ाया इस तरीके से है कि आपको बाद में करने की जरूरत ना पड़े। प्लीज मुझसे कैनोटेटिव मीनिंग्स, व्हाट आर यू आस्किंग, ये वाले आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। आप सिर्फ इसी सिलेबस के हिसाब से अभी कुछ पूछिए, ताकि दूसरे बच्चों के लिए भी हेल्पफुल हो सके वो। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीकिंग, स्पीकिंग कितने तरीके की होती है, आप कैसे कैसे स्पीकिंग करते हो, वही मैंने बताया था। या तो आप पार्शियल स्पीकिंग कर रहे हो, ठीक है, या पार्शली बोल रहे हो, ठीक है, जिसमें स्पीकर का ज्यादा रोल होता है। वो सारी चीजें आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगी, ये वाली चीजें। आपको और कोई डाउट है, ठीक है। सिमेंटिक लैंग्वेज, सिमेंटिक लैंग्वेज का मैंने अभी मतलब बताया था। सिमेंटिक्स का बेसिकली मतलब होता है स्टडी ऑफ मीनिंग, ठीक है। तो हम जब हम सिमेंटिक लैंग्वेज कर रहे होते हैं, हम मीनिंग को समझ रहे होते हैं, ठीक है। ओके, आई गेस दिस इज इट। अभी और कोई डाउट्स मत भेजो। अब हम एक बारी क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं, ठीक है, ताकि आपके थोड़े जो भी डाउट्स हैं क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद कोई डाउट होगा तो भेजना। ओके, तो हम क्वेश्चन पेपर्स देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों के साथ अभी शेयर नहीं किया है, रुक जाओ। ठीक है, एक मैंने क्वेश्चन पेपर पहले शेयर किया था, आई गेस दिस वन वाज इट, ठीक है, जिसके अंदर आपको सारी चीजें बेसिकली समझ आ जाएगी। आई होप द पिक्चर इज क्लियर। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप समझ सको, ठीक है। आपके पास 75 नंबर का ये पेपर आएगा, पर इवेल्युएशन आपकी 100 मार्क्स से होगी, ठीक है। ओके, तो आपके पास पहला क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स पे आता है, ऑलमोस्ट आप मेंशन है उसके अंदर 30 to 40 वर्ड्स ही लिखने हैं आपको, ठीक है, कि कोई भी पांच चीजें लिखनी है। दो दो नंबर के हैं ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स, तो आपको इतना ज्यादा कुछ लिखना भी नहीं, आपको सिर्फ कम्युनिकेशन समझाना है और इन सारी चीजों की डेफिनेशन समझा देनी है, ठीक है। आप इसके अंदर एडवांटेजेस यूज कर सकते हो, आप इसके इम्पोर्टेंस बता सकते हो, सब कुछ बता सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ पांच चीजों के ऊपर आपको दो दो मार्क्स का है, तो आपको छोटे ही वर्ड्स में लिखना है, मैक्सिमम एक पैराग्राफ लिख लो, ठीक है, ताकि आपको एटलीस्ट दो नंबर मिल जाए उसके अंदर, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो है 5 नंबर का, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका पूरा 10 मार्क्स का होगा, ठीक है, जो 2 2 मार्क्स के आपके शॉर्ट नोट्स होंगे। फिर आपका 5 मार्क्स का एक पेपर होगा, जिस मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आपको दो क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप कितनी मर्जी लेंथ लिख सकते हो अपनी, ठीक है। अगर आपको ज्यादा अच्छे से पता होता है, जैसे इनका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर फॉर्मल पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्विस्ट करके दिया है इन्होंने ये, ठीक है, कि फॉर्मल पैटर्न्स क्या है कम्युनिकेशन के। अगर आप कम्युनिकेशन आपने पूरा ढंग से पढ़ा होगा, तो आपको उसके टाइप्स पता होंगे, तो दे आर एक्चुअली आस्किंग यू अबाउट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन के फॉर्मल फॉर्मल वे में कौन कौन सी कम्युनिकेशंस होती है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, नॉर्मल फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये सारी फॉर्मल पैटर्न्स है कम्युनिकेशन के, ठीक है। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ साइन लैंग्वेज, ठीक है। अब एक ही इम्पोर्टेंस पता है हमें, कि डेफ एंड डम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अनएजुकेटेड लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फीजिबल होता है ये, या फिर किसी को अगर हमारी लैंग्वेज नहीं आती तो उसके लिए साइन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप पहले पूरी लैंग्वेजेस समझाओगे, ठीक है, फिर साइन लैंग्वेज के ऊपर आओगे, क्योंकि आपको 5 नंबर का आंसर लिखना है। तो एटलीस्ट यहाँ पे 2.5 पैराग्राफ्स लिखोगे आप, जब 5 नंबर के जो क्वेश्चंस है उसके अंदर 2.5 पैराग्राफ्स लिखोगे, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर आप एक पैराग्राफ लिख सकते हो, यू कैन बी विद दैट, ठीक है। इसके बाद आपकी राइटिंग स्किल्स है, देखिए अब यहाँ पे आपको राइटिंग स्किल्स के अंदर 5 5 नंबर के क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है डायलॉग राइटिंग का, आपको एक सिनेरियो दे दिया जाएगा और आपसे डायलॉग पूछ बोलेंगे कि आप इसके बीच में एक डायलॉग लिखो, तो आपको अपने व्यूज डालने हैं बस उन दो कैरेक्टर्स के साथ, ठीक है। अंजू एंड मंजू आर हैविंग अ कॉन्वर्जेशन अबाउट मैरिजेस इन इंडिया, ठीक है। विद दिस रेफरेंस पॉइंट राइट अ डायलॉग बिटवीन द टू, वेयर वन इज इन फेवर ऑफ लव मैरिज एंड अदर इज इन फेवर ऑफ अरेंज्ड मैरिज, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में सिर्फ डायलॉग लिखना है आपको, एक छोटा सा डायलॉग बनाना है, ठीक है, ज्यादा बड़ा तो मत करना उसे, लेकिन एक क्लोज्ड डायलॉग होना चाहिए, उसका कोई कंक्लूजन निकलना चाहिए, ठीक है। फिर है, यू हैव विजिटेड एन ओल्ड एज होम फॉर अ चैरिटेबल पर्पस, राइट अ डायलॉग दैट यू हैड विद वन ऑफ इट्स रेजिडेंट्स, ठीक है। आपने किसी ओल्ड एज होम में गए हो और आपको एक
बेसिकली एक रेजिडेंट मिला है, आप उससे बातचीत कर रहे हो, तो आप उससे क्या पूछोगे? इट्स काइंड ऑफ एन इंटरव्यू, पर आपको डायलॉग लिखना है, तो क्लोज्ड होना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, 7 C's याद रखनी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए इधर, ठीक है, कंप्लीट कम्युनिकेशन होनी चाहिए और पोलाइट रहना है आपको, ठीक है, वो सारे 7 C's इसके अंदर अप्लाई होंगे. ओके ओके ठीक है. नेक्स्ट इज द इंटरव्यू राइटिंग, जो कि डायलॉग राइटिंग की तरह ही होती है. इमेजिन दैट रिसेंटली अ बॉलीवुड मूवी मूवी हैज़ वॉन एन इंटरनेशनल अवार्ड. राइट एन इंटरव्यू दैट यू विल टेकन विद द डायरेक्टर ऑफ दैट मूवी. ठीक है, तो ये बहुत ईजी ईजी चीज़ है कि आप डायरेक्टर के साथ इंटरव्यू ले रहे हो, तो आप क्वेश्चन पूछोगे उसके अंदर. ठीक है, फिर आपके पास एक और इंटरव्यू के ऊपर क्वेश्चन है. द एरिया सराउंडिंग योर कॉलेज इज विटनेसिंग वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम्स फॉर द पास्ट वीक, स्पेशली ड्यूरिंग हैवी रेन्स. यू एज द स्टूडेंट यूनियन रिप्रेजेंटेटिव हैड अप्रोच द सेक्रेटरी ऑफ MCD डिपार्टमेंट रिगार्डिंग द सेम. राइट एन इंटरव्यू. ठीक है, तो ये आपकी राइटिंग स्किल्स ब्रश अप करनी है आपको बेसिकली, क्योंकि राइटिंग स्किल्स से क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, आप अगर ये दो सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व कर लेते हो तो भी आपका काम चल जाएगा राइटिंग स्किल्स के हिसाब से. ठीक है, फिर नेक्स्ट है ऑब्वियसली आपको पब्लिक स्पीच लिखने को आ सकती है, यानी कि आपको सिर्फ अपना एक डिबेटेबल स्पीच से लिखनी है. ठीक है, गूगल कैन रिप्लेस टीचर्स रोल इन मॉडर्न एज. ठीक है, आप इसके ऊपर ऐसे राइटिंग, बेसिकली पब्लिक स्पीच इज ऐसे राइटिंग, आप ऐसे लिख के आ जाओ. ठीक है, लेकिन स्पीच हम शुरू करते हैं गुड मॉर्निंग से. ठीक है, तो आप गुड मॉर्निंग शुरू कर दो, दैट आई एम हेयर टू प्रेजेंट माई टॉपिक ऑन गूगल कैन रिप्लेस टीचर इन टीचर्स रोल इन मॉडर्न एज. ठीक है, सिंपल. पब स्पीचेस जो होती है वो हम किसी को एड्रेस करके बोलते हैं. ठीक है, स्कूल्स के अंदर काफी बच्चों ने स्पीच दी होगी कभी कभी असेंबली के अंदर, दैट गुड मॉर्निंग टीचर्स, माय डियर फ्रेंड्स, राइट, आई फ्रॉम दिस क्लास, आई एम हेयर टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक. ठीक है, दैट इज पब्लिक स्पीच. ठीक है, या इन दो टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको, उस पर पब्लिक स्पीच देनी पड़ेगी. ठीक है, फिर आपके पास आता है जो मैं जिस चीज की बात कर रही थी, कॉम्प्रिहेंशन की. ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ आपको बहुत इजी कॉम्प्रिहेंशन आ जाते हैं कभी कभी. सी, इसके अंदर से सिर्फ आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है एंड सेंटेंस बनाने को बोल देंगे या क्वेश्चंस पूछ लेंगे. ठीक है, फिर आता है आपके पास व्हाट इज द डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन समराइजिंग एंड पैराफ्रेजिंग, जो मैंने अभी पूरी की पूरी कही थी कि सिमिलर दोनों होती है, दोनों के दोनों में हम अपने वर्ड्स के अंदर एक दोनों के आइडियाज ही प्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, मूवीज के हिसाब से समझाने की कोशिश कर, समझने की कोशिश करना समरी और पैराफ्रेजिंग को. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसलेशंस कौन सी होती है, वर्ड टू वर्ड होती है, सिमेंटिक ट्रांसलेशंस होती है. ठीक है, ओके, फिर आपके पास है रिपोर्ट. रिपोर्ट राइटिंग भी बहुत इजी होती है. ठीक है, आपको अपने ब्रश अप करने हैं, जो मैंने कल की क्लास में बताया था कि आपको जो चीज़ें खुद करनी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी. काफ़ी कम टाइम होता है हमारे पास इधर, तो मैं आपको हर एक चीज़ नहीं बताऊंगी. ठीक है, आप ये वाली चीजें, मतलब कि बेसिकली आप अपना क्वेश्चन पेपर देखोगे. ठीक है, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पेपर देखोगे, उनकी राइटिंग स्किल्स के अंदर जो जो पूछा है उन सब के फॉर्मेट्स आप कर लेना उन्हें, प्लीज. मैंने इंपॉर्टेंट चीजों के फॉर्मेट्स बता दिए, लेकिन इनके करने हैं. ठीक है, रिपोर्ट लिखनी है आपको, इसके अंदर दो रिपोर्ट राइटिंग के क्वेश्चन है, एक करना है. ठीक है, राइट अ लेटर. सी, देयर इज अ फॉर्मल लेटर. ठीक है, राइट अ लेटर इनवाइटिंग एन एमिनेंट साइंटिस्ट. इनविटेशन है यहाँ पे. ठीक है, इनविटेशन वाला लेटर है, या राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड है. ठीक है, तो नॉर्मल ऐसे ही 10-10 नंबर के, 5-5 नंबर के क्वेश्चन आपके पास आएंगे और बहुत ईजी पेपर होगा. ठीक है, तो उससे डरना नहीं है. जो आपने हमने फर्स्ट 6 चैप्टर्स जो करे थे उसके अंदर से पहले 2 क्वेश्चन ही आएंगे, यानी कि 20 मार्कर्स ही आएंगे मोस्टली. ठीक है, ओके, नेक्स्ट पेपर देखते हैं हम इसका. ठीक है, वो थोड़ा सा ट्रिकी है. सी, वो इसलिए मैंने ये दो पेपर्स बेसिकली चूज करे हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको पता चलेगा कि आप कुछ भी, कहीं से भी वो कुछ भी दे सकते हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे उन्होंने 10 मार्कर का दे दिया, विच इज ट्रू एंड फॉल्स. ठीक है, नॉइज इज अ कॉमन साइकोलॉजिकल बैरियर फॉर गुड कम्युनिकेशन. ऑब्वियसली जो हमने पूरा का पूरा किया था, इज इट ट्रू और फॉल्स. ठीक है, तो आपके ये ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन है. फिर आपके पास है, ठीक है, 10 क्वेश्चंस है ट्रू एंड फॉल्स के, तो ये पूरे के पूरे इजी हो जाएंगे. ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं करने को, बाय चूजिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट बॉक्सेस. दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वाला पेपर, ये लास्ट ईयर का पेपर है, बहुत इजी आया था ये. ठीक है, कम्युनिकेशन इज प्राइमरी अ डैश एक्टिविटी. ठीक है, कौन सी एक्टिविटी है दोनों में से, मतलब इन ऊपर में से क्या कौन सी एक्टिविटी है एक्चुअली में कम्युनिकेशन. ठीक है, तो जैसे मैं इसका आंसर वैसे बता सकती हूँ तुम्हें, इट्स अ काइंडनेसेस वाली एक्टिविटी. ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप बेसिकली लिख सकते हो.
अब आपके पास जो मैंने एक एग्जाम्पल बताया था वो ये था, ठीक है? यस तो आपको ये पूरा का पूरा ये दे देंगे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आपके पास इसके ऊपर भी क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, एक तो अंदर से ही डालने को आ सकते हैं, या इसके अंदर भी कम्युनिकेशंस के आ सकते हैं। दैट इन्होंने देखो कॉम्प्रिहेंशन के डाल दिया क्वेश्चन, दैट व्हाट कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है। तो आपने मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग पढ़ा है ऑलरेडी, आपको बस उसको सपोर्ट करना है इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, ठीक है? फिर है आपके पास राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द पैसेज। सी आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसकी समरी लिखने को बोला है। अब इन्होंने दो पैराग्राफ्स बोले तो आपको एक ही पैराग्राफ लिखना है, आपको शॉर्ट करना है उसे, ठीक है? समझ आया? तो आपको एक समरी लिखनी है 5 वर्ड्स 5 नंबर की, ठीक है? फिर या एक्सप्लेन करना है डिफरेंस बिटवीन सोर्स लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज, ठीक है? सोर्स लैंग्वेज जहाँ से हम ट्रांसलेट करते हैं, टारगेट लैंग्वेज जो हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं, जिसमें हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं, ठीक है? या फिर आप ट्रांसलेशन खुद ही कर लो, ठीक है? तो इन्होंने फॉलोइंग सेंटेंसेस हिंदी में ट्रांसलेट करने को बोले हैं आपको। फिर स्टडी द शॉर्ट डायलॉग्स एंड मैच मैच इट विद अप्रोप्रिएट रीजंस। तो आपको मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है? कंप्लीट द शॉर्ट टर्म्स ऑफ द डायलॉग। आपको डायलॉग कंप्लीट करने को दे सकते हैं कि आपके पास ऑलरेडी एक डायलॉग है एंड आप उसे कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है? फिर आपके पास लेटर राइटिंग, देखो लेटर राइटिंग हमेशा आता है, लेटर एंड रिपोर्ट राइटिंग हमेशा आता है, तो आपको वो करना है, ठीक है? किसी को भी लेटर लिखने को आ सकता है, मोस्टली फॉर्मल लेटर्स आते हैं, ठीक है? तो एज अ मेंबर ऑफ कॉलेज स्टूडेंट यूनियन राइट अ रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल, ठीक है? सिंपल से मैं सिंपल सा बहुत ही सिंपल पेपर है, ठीक है? ये मैं अभी शेयर कर दूंगी वापस उसी ग्रुप के ऊपर, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर भी, आपको ये सॉल्व करना है बस, ठीक है? तो अब कोई प्रॉब्लम हो अब पूछ लो, ठीक है? वी आर ओनली लेफ्ट विद 15-20 मोर मिनट्स, ठीक है? तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। हाँ, ये SOL के पेपर्स ही हैं जो आपके पास आते हैं, ठीक है? कितने मार्क्स चाहिए पास होने के लिए? आई होप आपके इस पेपर में तो बहुत ज़्यादा नंबर आ चुके आ जाए, इट्स वेरी इजी पेपर, ठीक है? हाउ टू एनहांस रीडिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स, यू हैव टू प्रैक्टिस देम, ठीक है? आप अपने कॉम्प्रिहेंशन या यही वाले दो पेपर्स आप प्रैक्टिस कर लो तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है? फोर थिंग्स इन कम्युनिकेशन, भाई कम्युनिकेशन पूरा का बहुत ही ज्यादा बड़ा टॉपिक है, प्लीज थोड़ा सा प्रिसाइज करके बताओ क्या पूछना है, ठीक है? ओके, व्हाट इज डीकोडिंग एंड एनकोडिंग, ठीक है? डीकोडिंग एनकोडिंग आपने सुना होगा कि इसके अंदर जो हमारे पास कम्युनिकेशन है उसके अंदर इट्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है? कि एक जब स्पीकर है या जब मेरे को बताना है तो मैं अपना जो मैसेज है वो मैं इनकोडेड फॉर्म में भेज रही हूँ, यानी कि मुझे नहीं पता आपको समझ आएगा कि नहीं, लेकिन मैं अपनी समझ से सारा का सारा पूरा अच्छे से समझा के भेज रही हूँ, ठीक है? तो जब
वो जो लिसनर जब या जो रिसीवर है जिसके पास वो मैसेज जाएगा, जब वो उस मैसेज को सुनेगा, ठीक है, तो वो उसको अपने हिसाब से तोड़ेगा, ठीक है, अपने हिसाब से डीकोड करेगा. दैट इज इनकोडिंग, जब आप बेसिकली किसी क्रिप्टेड मैसेज में भेजते हो और उस मैसेज को समझने की कोशिश करते हो तो आप उसे डीकोड करते हो. ठीक है, टॉपिक्स इन द सिलेबस फर्स्ट स्लाइड के अंदर, आपके फर्स्ट मतलब फर्स्ट पीडीएफ के अंदर सेकंड पेज पे आपका पूरा का पूरा सिलेबस मैंने लिख दिया है, तो वो कर लेना, मतलब देख लेना. एलिमेंट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज सबको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि बॉडी लैंग्वेज क्या होता है. ठीक है, बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, देखो आपकी बॉडी जब दूसरे इंसान, जब कोई इंसान आपको देखता है फेस टू फेस, ठीक है, तो सिर्फ आपके आप जो बोल रहे हो वो नहीं देखता, ठीक है, या जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आप सिर्फ उसकी बात नहीं सुनते, आप उसको एज अ होल पर्सन देखते हो, क्योंकि उनकी बॉडी भी कम्युनिकेट कर रही होती है. तो बॉडी लैंग्वेज का जो रोल होता है वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज के अंदर होता है. जब आप इंटरव्यू के अंदर जाते हो, राइट, आपको इंटरव्यूअर बुलाता है, तो द वे यू एक्चुअली वॉक इन द डोर, ठीक है, जब आप चल के जा रहे हो, उधर बैठ रहे हो और बोल रहे हो, ग्रीटिंग्स दे रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताती है. ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज के अंदर बहुत आपके सारे बॉडी पार्ट्स आते हैं, आपका हेड आएगा, आपके फेस आएगा, बेसिकली फेशियल एक्सप्रेशन आएगी, आपके हैंड्स, आपके फीट, ये सारी चीज़ें बॉडी एलिमेंट्स का पार्ट है. ठीक है, तो आप जैसे अपना हेड नॉड कर रहे हो तो आप बिना बोले ही बता रहे हो, अपनी बॉडी से बता रहे हो कि नहीं, आपको नहीं चाहिए ये. ठीक है, तो ये सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज के अंदर आती हैं. ओके, पैरा लैंग्वेज मैंने आपको पहले भी बताया था. पैरा लैंग्वेज मतलब इट्स अ काइंड ऑफ लैंग्वेज जिसके अंदर आप वॉल्यूम और पिच देखते हो. ठीक है, जिसके अंदर आप एक इंसान की पिच देखते हो. अगर आपको बहुत दूर से शोर आ रहा है, ठीक है, बहुत दूर से सिर्फ आपको कुछ सुनाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहे हैं, आपको उनके वर्ड्स समझ में नहीं आ रहे, तो वो पैरा लैंग्वेज को, पैरा लैंग्वेज से आप उसको समझने की कोशिश करोगे, आप उसकी वॉइस की पिच देखोगे. ठीक है, कि वो क्या बोल रहा है. अगर वो बहुत तेज तेज चीख चीख के बोल रहा है, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ वो इंसान बहुत गुस्से में है. ठीक है, तो वो बेसिकली एलिमेंट्स आपको देते हैं. ओके, हैप्टिक टच लैंग्वेज जो होती है, मैंने आपको बताया था, जो आपके टच होते हैं वो भी आपकी चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं. जैसे इफ अ पर्सन हैज लॉस्ट समवन रिसेंटली, ठीक है, आपको पता है यू हैव नो वर्ड्स टू से टू देम, ठीक है, तो आप बस उसके साथ जाके बैठ जाते हो या उसके कंधे पे ऐसे हाथ रख के बैठ जाते हो. ठीक है, तो आप बेसिकली उसे टच कर रहे हो, वो टच लैंग्वेज है कि वो आप क्या कम्युनिकेट कर रहा है आपका टच बेसिकली. ठीक है, सोर्स लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज मैं बहुत बारी रिपीट कर चुकी हूँ. सोर्स लैंग्वेज जहाँ से आप ट्रांसलेशन ले रहे हो या जो आपका ओरिजिनल चीज़ है और जिस चीज़ के अंदर आप कन्वर्ट कर रहे हो, जो आपका टारगेट है, वो टारगेट लैंग्वेज होती है. ठीक है, वर्ड स्ट्रेस, इतनी देर से मैं वर्ड स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर रही हूँ. देखो जब आप बेसिकली व्हेन यू से गो आउट, ठीक है, तो यहाँ पे हम स्ट्रेस किस पे दे रहे हैं, आउट, कि बाहर जाओ. ठीक है, जाओ बेसिकली. ठीक है, तो वो कम्युनिकेट करता है वर्ड स्ट्रेस. ठीक है, जब आप थोड़े थोड़े वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस दे के जाते हो कि बस मुझे छोड़ दो, राइट. सी आपकी क्लासेस, आज लास्ट क्लास है आपकी, आपके मुझे सिर्फ 3 दिन दिए गए थे आपकी क्लास कंप्लीट करने के, और इन 3 दिनों में एक्चुअली आई हैव कवर्ड योर होल सिलेबस. अगर आप सिर्फ वो नोट्स और सिर्फ ये 2 पेपर्स सॉल्व कर लोगे तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीटेड है. ठीक है, तो आपको दिक्कत दे, मतलब परेशान होने की बात नहीं है. ठीक है, ओके, बैरियर्स ऑफ मिसकम्युनिकेशन मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ पहले भी कि कौन कौन से बैरियर्स होते हैं. बहुत सारी नॉइजेज होती हैं, अलग अलग तरीके की नॉइजेज होती हैं. ठीक है, वो नॉइजेज वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से करना है कि अलग अलग तरीके की नॉइजेज होती है जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते. जैसे कि फिजिकल नॉइज, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लाइक फोन लाइन के अंदर अगर कोई वो आवाज आती है गंदी सी चर्चर वाली, राइट, तो उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. फिर साइकोलॉजिकल नॉइज, कि हम सुनना ही नहीं चाहते, हमारा माइंड ही रेडी नहीं है सुनने के लिए, वो नॉइज हो गई. ठीक है, फिर फिजियोलॉजिकल नॉइज, कि किसी को हेयरिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी ने हेयरिंग एड नहीं लगा रखी तो उसे सुनाई नहीं देगा. ठीक है, तो ये सारे बैरियर्स हैं ऑफ मिसकम्युनिकेशन. ठीक है, ओके, और कोई प्रॉब्लम?
हाउ टू रीड बुक्स एंड स्टडी मटेरियल्स टू इम्प्रूव योर कैपेबिलिटी ऑफ रीडिंग. आप बेसिकली अपना मटेरियल पढ़ो, ठीक है. मैंने जो पीपीटीज या जो भी स्लाइड्स बनाई है वो काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में है, तो आपको सिर्फ उन्हें एक्सप्लेन करना है, ठीक है. ओके, आपके पास ग्रुप डिस्कशन से वैसे कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है. ग्रुप डिस्कशन से कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन कि आप जीडी के अंदर कैसे परफॉर्म करते हैं. अगर आपने पूरा कम्युनिकेशन के ऊपर कोर्स कर लिया है, दिस एनहांसमेंट ऑफ योर एबिलिटी कोर्स, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जीडी में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. आपको कम्युनिकेशन के 7 steps पता है, 7 C's पता है कि आपको कम्युनिकेट कैसे करना है, तो आपको वो सारी चीज़ें अपने जीडी के अंदर यूज करनी है, ठीक है. रोल ऑफ साइलेंस. साइलेंस इज अ काइंड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल लैंग्वेज, ठीक है. आपका साइलेंस बहुत चीज़ें कहता है, ठीक है. अगर आपने कोई, आपकी मदर ने आपको कोई काम करने को बोला है, ठीक है, सिंपल सा सिनेरियो लेते हैं. आपकी मदर ने आपको वाटर बॉटल्स भरने को बोला है और आपके घर में सिर्फ 1 ही घंटे के लिए पानी आता है, आपने नहीं भरी, ठीक है. आपकी मदर ने पूछा कि क्या तुमने बॉटल भर दी, 1 घंटे बाद पूछा क्या तुमने बॉटल्स भर दी, और तुमने कोई जवाब नहीं दिया, यू आर साइलेंट. तो दैट साइलेंस वुड मीन, ठीक है, वो भी कम्युनिकेट करेगा कुछ ना कुछ, वो भी कुछ ना कुछ बताएगा आपको या आपकी मदर को, ठीक है. दैट साइलेंट वुड मीन या तो इसने करा नहीं है या ये बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, राइट. तो ये साइलेंस होता है, दैट इज हाउ साइलेंस वर्क्स इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल लैंग्वेज, ठीक है. हाउ टू राइट अ डायलॉग. मैं ऑलरेडी कल बहुत लंबी क्लास ली थी मैंने डायलॉग राइटिंग पे ही. मैं 2 दिन से डायलॉग राइटिंग बता रही हूँ आपको कि डायलॉग राइटिंग 2 लोगों के बीच में होती है, तो आपको हर किसी इंसान का जो भी वो बोल रहा है बस उसे कोटेशन के अंदर डाल देना है, ठीक है. टॉपिक्स सारे आ रहे हैं जो मैंने कवर करे हैं, इसलिए मैंने शुरुआत में ही क्लास के सारे चैप्टर्स कवर करे थे कि हर चैप्टर में क्या क्या है और क्या क्या आपको करना है इम्पॉर्टेंट, ठीक है. राइटिंग स्किल्स, आपके पास ये जो 2 पेपर्स हैं जो मैं, एक ऑलरेडी भेज चुकी हूँ और एक आज भेजूंगी, उसके अंदर से ही आपको उसके अंदर जितनी चीज़ें आप उसमें रिटन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स के अंदर दे रखी हैं वो सारी कर लेना, ठीक है. ग्रुप टीम्स ऐप पे ही है, ठीक है. आप अपनी एक्टिविटी वाले एरिया के ऊपर जाओ, आपको उधर दिख जाएगा मैसेजेस आ रहे हैं उधर बच्चों के रेगुलरली, तो आपको उधर फाइल्स के अंदर सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है. ऐसे राइटिंग बहुत इजी है, ठीक है. देखो आप अपना पेन पेपर निकाल लो, मैं थोड़ी थोड़ी चीजें बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीजें लिखनी होती है, ठीक है. अगर आपके पास स्पीच राइटिंग आती है तो आप शुरू करोगे ग्रीटिंग्स से, ठीक है. गुड मॉर्निंग, ठीक है. गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, आई एम हेयर, ठीक है. माय नेम इज दिस दिस दिस, ठीक है. आई एम हेयर टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है. एंड आई वुड बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक. ये होता है आपका पब्लिक स्पीच. आप एक स्पीच दे रहे हो, आप उसको इन्फॉर्म कर रहे हो, आप लोगों को अवेयर कर रहे हो उस टॉपिक के बारे में, ठीक है. और जो आपकी एसेज हैं, एसेज के अंदर हम उसके अंदर डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस सारी चीजें लिखते हैं, ठीक है. ऐसे इसको हम ग्रीटिंग्स से शुरू नहीं करते, ऐसे के अंदर हम किसी प्रोवर्ब से शुरू कर सकते हैं, ठीक है. इट्स लाइक राइट एन ऐसे ऑन डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, ठीक है, या इंटरनेट बुलिंग या साइबर बुलिंग, इनके ऊपर आपको एसेज लिखने हैं, तो आपको उसके अंदर सारी चीजें समझानी पड़ेगी क्योंकि वो एक एसे है. पब्लिक स्पीच के अंदर आप सिर्फ अवेयर करते हो लोगों को, आप उसके अंदर अपनी जजमेंट नहीं देते हो, आप उसमें लोगों को अवेयर कर रहे हो कि हाँ ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप स्पीच दे रहे हो, ठीक है. ओके, पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जो होता है, नेटवर्क नहीं है यहाँ पे कोई, हम नेटवर्क इंटरनेट नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम कंप्यूटर्स नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ कम्युनिकेशन है. और कम्युनिकेशन के पैटर्न्स जो होते हैं वो काफ़ी तरीके के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो जो हैं, ठीक है. तो उन्होंने आपसे फॉर्मल कम्युनिकेशन का पैटर्न पूछा था कि वो कैसे होता है, ठीक है. तो आप उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के बताओगे कि ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन एक फॉर्मल कम्युनिकेशन और वो कैसे कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है, ये सारी तरीकों से होता है.
हैप्टिक लैंग्वेज होती है कम्युनिकेशन की, जिसका मतलब होता है कि आप टच लैंग्वेज से यूज कर, मतलब टच लैंग्वेज यूज कर रहे हो कुछ चीज कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। ग्रुप, आपके पास अपना फोन है, साइड में उधर ऑप्शंस में एक्टिविटी दिख रहा होगा या चैट दिख रहा होगा, दोनों में से कहीं पे भी जाओ, वहां पे एक ग्रुप बना हुआ है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ओके, हाँ, जॉब एप्लीकेशन के अंदर आपको 12th वाला पैटर्न ही फॉलो करना है, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन में आपको 12th वाला पैटर्न ही फॉलो करना है, मैंने ऑलरेडी आपको वो पूरा फॉर्मेट बता दिया है जॉब एप्लीकेशंस का, तो वो और इजी हो जाएगा, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, तुषार देखो, बॉडी लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल लैंग्वेजेस। जब हम वर्ड्स का यूज नहीं करते, हम अपनी बॉडी का यूज कर रहे हैं टू कम्युनिकेट विद अनदर पर्सन, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज आपने देखी होगी, जैसे कि आपने दमशराज खेला होगा, ठीक है, आप उधर वर्ड्स का यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन आप अपनी बॉडी का यूज कर रहे हो, आप एक्टिंग कर रहे हो, ठीक है। तो आप अपने बॉडी का यूज कर रहे हो टू कम्युनिकेट, टू टेल दोज पीपल कि आप कौन सी मूवी एक्ट कर रहे हो, ठीक है। आप उसमें वर्ड्स का यूज नहीं करते हो, ठीक है। तो वो एलिमेंट्स है आपके बॉडी लैंग्वेज के। आप कभी अपना सर हिलाओगे, अपने हाथ हिलाओगे, अपने पैर हिलाओगे, यू यू माइट डांस, ठीक है। आप किसी का फेमस डांस स्टेप कॉपी करोगे, तो ये सारे आपके बॉडी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो आप यूज करते हो। जैसे अगर आप बैठे हो और अपना पैर तेज तेज हिला रहे हो, शेक कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर नर्वस। वो क्या कम्युनिकेट करेगा कि आप नर्वस हो, ठीक है। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, ओके। और कुछ? अभी आई गेस किसी ने, एक और बच्चे ने उधर ही मैसेज किया है ग्रुप पे, तो आप देख सकते हो उस ग्रुप के ऊपर, मिल जाएगा आपको, सारे के सारे लोग एडेड है वहां पे, बहुत सारे बच्चे एडेड हैं। और नहीं है तो आपका कोई ना कोई फ्रेंड होगा, तो वो आपको फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। और कुछ तो बता दो। आई गेस आई हैव टेकन एवरी क्वेरी। अगर कुछ मिस हो गया और किसी की क्वेरी सॉल्व नहीं हुई है, तो वो भी बता दो प्लीज, क्योंकि वो ऊपर नीचे हो जाते हैं सारी के सारी, मतलब ऊपर जाते रहती है, तो मैं पूछ सारी के सारे क्वेश्चंस नहीं देख सकती, ठीक है। अगर किसी की कोई क्वेरी मिस हो गई है, ओके, काइनेसिस, ओके, बॉडी लैंग्वेज की स्टडी को हम काइनेसिस कहते हैं, ठीक है। जब हम बॉडी लैंग्वेज को पढ़ रहे होते हैं, तो काफी सारे लोगों ने उसके ऊपर स्टडी कर लिया है। क्या तुमने बुक्स देखी है, हाउ टू स्टडी अ पर्सन, ठीक है, हाउ टू रीड अ पर्सन, ठीक है, वो वाली काफी सारी बुक्स आती है। तो ये जो स्टडी है जो लोग करते हैं इनके ऊपर, बॉडी लैंग्वेज का क्या हमें किसने बताया कि अगर हम लेग शेक कर रहे हैं तो उसका मतलब नर्वसनेस होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज की स्टडी बताती है, जिसका मतलब होता है काइनेसिस, ठीक है, वो काइनेसिस होता है बेसिकली, ओके। और किसी की क्वेरी और कोई रह गया हो तो बता दो, कोई क्वेरी मिस हो गई हो तो वो भी बता दो, बिकॉज बहुत सारी क्वेरीज हैं, मैं एक एक तो नहीं देख पा रही हूँ, पर एज अ जिस्ट जो जो मुझे पता है कि क्या कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, वो मैंने बता दी है, ठीक है। बहुत इजी पेपर आएंगे, अगर आप अभी ये वाले पेपर भी सॉल्व करोगे तो भी पूरा हो जाएगा, ओके। 75 पेपर्स के अंदर वो आपको कैसे मार्क करेंगे 100 में से, वो उनकी प्रॉब्लम है बेसिकली, वो आपको इवेलुएट करेंगे, ठीक है। पेपर 75 का आएगा, लेकिन 100 मार्क्स के अंदर से ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, दैट इज हाउ दे वर्क, ठीक है। डेजिग्नेशन आपका मतलब कि आप कौन हो, ठीक है, आपको अपना नाम लिखना है उसके अंदर, सिग्नेचर करते हैं, जैसे लास्ट में नाम लिख के साइन करते हैं, वैसे ही अगर आप कंप्लेन लिख रहे हो तो आप अपनी डेजिग्नेशन लिखते हो। अगर आप एक कंपनी के मैनेजर हो, वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, डेजिग्नेशन मतलब आपकी पोस्ट क्या है उधर। अगर आप कंपनी के मैनेजर हो, आप किसी को कंप्लेन लिख रहे हो कंपनी की तरफ से, तो आप अपनी पोस्ट लिखोगे कि आई एम दिस पर्सन एंड आई एम देयर द मैनेजर, मैनेजर ऑफ दिस प्लेस, वो डेजिग्नेशन होती है, ठीक है। तो जॉब लेटर्स के अंदर आप डेजिग्नेशन सिर्फ अपना नाम लिखोगे, ठीक है। डिटेल में बता दूं पीडीएफ कहाँ पर है, ओके। देखो, एक्टिविटी पे जाओ, ठीक है, आपके यहाँ पे चैट पे या एक्टिविटी के ऊपर जाओ, आपको वहां पे फाइल्स वाला एक ऑप्शन आएगा, उस फाइल्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास सारी फाइल्स वहां पे ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, आपको दिख जाएंगी।
आप यहाँ पे ऐप से जा सकते हो या डैशबोर्ड से ही जा सकते हो, आप उसके अंदर ऑलरेडी मेंबर हो, ठीक है? यहाँ से नहीं दिख रहा तो अपनी ऐप से खोल के देखो उसे. वट इज फीडबैक? फीडबैक बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, कि फीडबैक क्या होता है. ओके, तो फीडबैक यहाँ पे बेसिकली होता है कि आप रिप्लाई कर रहे हो. यहाँ पे सिर्फ फीडबैक ये नहीं कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, फीडबैक मतलब आप अपना रिस्पॉन्स दे रहे हो. ये कम्युनिकेशन प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. एक कॉन्वर्जेशन अगर हम कर रहे हैं तो फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे अगर मैंने अभी आपसे पूछा कि यहाँ पे, ठीक है, कि अगर आपको कोई क्वेरीज है तो बताओ, राइट, और किसी ने कोई क्वेरी नहीं पोस्ट करी, तो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा नहीं होगा, यानी कि मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा. ठीक है, समझ आया? तो दैट इज फीडबैक. ओके, सिमेंटिक नॉइज एंड सिमेंटिक ट्रांसलेशन. सिमेंटिक नहीं था वो वाला नॉइज जो था, ठीक है, इट वॉज हाँ, सिमेंटिक नॉइज के अंदर होता है जब हम ग्रामेटिकल या प्रोनाउंसिएशन के अंदर कुछ गड़बड़ कर देते हैं या ग्रामेटिकल एरर्स डाल देते हैं, तो वो बैरियर बन जाता है एक. ठीक है, समझ आया? और सिमेंटिक ट्रांसलेशन जो है वो हमारी है ऑफ बेसिकली मीनिंग को ट्रांसलेट करना. ठीक है, दैट इज सिमेंटिक ट्रांसलेशन. ठीक है, समझ आया? आई होप आ गया, मतलब आई हैव ट्राइड इट. तो और कुछ है? हाँ ठीक है, हाँ वही था. सिमेंटिक के अंदर बेसिकली जिसके अंदर आप ग्रामेटिकल एरर्स करते हो या प्रोनंसिएशन के अंदर एरर्स करते हो. सिमेंटिक का मतलब ही वर्ड्स होता है, तो सिमेंटिक ट्रांसलेशन वर्ड्स का ट्रांसलेटर ट्रांसलेशन करना, वर्ड के मीनिंग्स का ट्रांसलेशन करना. ठीक है, ओके. फीडबैक राइटिंग मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. AECC है वो, AECC जो है आपका वो कंपल्सरी है, इसके अंदर कोई इंग्लिश ABC नहीं है. ठीक है, दिस इज योर कंपल्सरी कोर्स. एक आपका कंपल्सरी कोर्स होता है, एक आपका कोर कोर्स होता है. ठीक है, तो दोनों डिफरेंट है. जो आपने चूज करे होंगे तो आपके उसके अंदर आ गया होगा लिखा हुआ कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, मैं डेजिग्नेशन अंडर जॉब लेटर ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. डेजिग्नेशन का मतलब होता है आपका पोस्ट होना. अगर आपकी कोई पोस्ट नहीं है तो आप सिर्फ अपना साइन करके नाम लिख दोगे. ठीक है, और कुछ? वरना फिर हम क्लास एंड कर रहे हैं ताकि फिर मैं आपको बाकी सारे नोट्स भेज दूं. और ठीक है, व्हाट इज एम्पैथेटिक लिसनिंग? एम्पैथेटिक लिसनिंग जब आप जो स्पीकर है, ठीक है, उसकी बात सुन रहे हो. कोई इंसान बहुत परेशान है, ठीक है, आप उसकी बात सुन रहे हो और एम्पैथाइज कर रहे हो उसके साथ, यानी कि आप उसकी प्रॉब्लम समझ रहे हो, उसकी जगह जहां से वो आ रहा है, ठीक है, उसके शूज के अंदर स्टेप कर रहे हो, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, वो एम्पैथेटिक लिसनिंग होती है. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन जेस्चर एंड पोस्चर. पोस्चर आपकी बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है, बॉडी का एलिमेंट का पार्ट है आपका पोस्चर. ठीक है, कि आपके अगर आप कैसे बैठे हो, ठीक है, आप एकदम स्ट्रेट कमर करके बैठे हो, डैट मीन्स यू आर वेरी कॉन्फिडेंट. ठीक है, या आप एकदम ड्रूलिंग से अपने कंधे झुका के बैठे हो, ठीक है, दैट मीन्स यू आर वेरी टायर्ड. ठीक है, ये आपका पोस्चर्स है. जेस्चर्स, आप हैंड के जेस्चर्स यूज करते हो. जेस्चर्स मतलब साइन यूज करना या सिम्बल्स यूज करना. ठीक है, वो जेस्चर्स होते हैं कि आप क्या जेस्चर कर रहे हो. जैसे कि अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आपको इसका आंसर पता है, राइट, और आपको ना पता हो और आपको बोलना ना हो कि नहीं मुझे नहीं पता, या तो आप अपना हेड नॉट करोगे या आप सिंपल सी ऐसी कर दोगे कि नहीं मुझे नहीं पता. ठीक है, दैट इज अ जेस्चर. ठीक है, और पोस्चर आपका बॉडी स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस. कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है? वो एक डिटेल के अंदर है कि बेसिकली दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो कैसे रही है. ठीक है, दैट इज द होल प्रोसेस, कि वो पूरा कैसे हो रहा है. अब मेरे और आपके बीच में कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, उसका प्रोसेस क्या है. मैं एक सेंडर हूँ, मेरे पास एक मैसेज है, मेरा मेरा एक एम है, एक नॉलेज है जो मुझे आपको बतानी है, दैट इज द इंग्लिश कम्युनिकेशन का पेपर. ठीक है, तो मैंने अब उसको क्या किया, मैंने उस मैसेज को, अब मेरे पास एक मैसेज था, ठीक है, उसको इनकोड किया, उसको इन पीपीटीज के अंदर, पीडीएफ के अंदर बनाया, इनकोडेड फॉर्म के अंदर. ठीक है, ताकि मैं समझा सकूं आपको. मैंने चैनल लिया एक, ठीक है, यानी कि मैंने ऑनलाइन क्लास ली ताकि आपको वो समझ आए. चैनल के थ्रू फिर वो आप तक पहुंचा, रिसीवर तक पहुंचा, रिसीवर ने उसको डीकोड करा.
ठीक है, आपने इस पीपीटी को या पीडीएफ को समझने की कोशिश करी, लेक्चर को समझने की कोशिश करी, फिर आपने फीडबैक दिया कि आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, दैट इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस, वो 7 स्टेप्स के अंदर होता है और सारे स्टेप्स आपको समझाने हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, और कुछ आई गेस दैट इज इट, ठीक है, ये आपकी लास्ट क्लास थी, इसके बाद और कोई क्लास नहीं होगी, कोई भी अगर डाउट होता है तो आप मुझे यहीं पे मैसेज कर सकते हो, काफ़ी सारे बच्चों के पास मेरा ईमेल आईडी है यहाँ पे, ठीक है, मतलब आपको मिल भी सकता है, यहीं से मिल जाएगा, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर देना कोई भी डाउट होता है तो, आई वुड रिप्लाई, ठीक है, जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई वुड रिप्लाई टू योर क्वेरीज, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट एक बार ही, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप पहले सारी की सारी पीडीएफ्स देखो, खुद पढ़ने की कोशिश करो, फिर कोई डाउट आता है, फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे से क्वेश्चंस पूछो, ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, ठीक है, आई होप तुम्हें ये समझ आ गया हो सारा का सारा, बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी पेपर आएगा अगर आप पढ़ के जाओगे इसे तो, ठीक है, तो इसको बस आपको लर्न करना है और ईजीएस्ट से ईजीएस्ट एग्जाम्पल्स में लर्न करना है और एग्जाम्पल्स आपको अपने आंसर्स में भी लिखना है, ठीक है, दीज आर द लास्ट पॉइंट्स, क्लोज रीडिंग आपके सिलेबस में नहीं है, क्लोज रीडिंग नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है, और कोई क्वेश्चन, आई गेस मैंने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, सत्यम प्रॉक्सिमस आप एक बार पीडीएफ देखो प्लीज, मैं एक्चुअली मैं डाउट्स के अंदर सबसे पहले प्रॉक्सिमस ही समझाया था कि क्या होता है, प्रॉक्सिमस का मतलब होता है स्पेस डिस्टेंसिंग, ठीक है, तो आप उसको एक बार ही पढ़ो और फिर भी नहीं आए तो मुझे प्लीज मैसेज कर देना, ठीक है, क्योंकि मैं ये बहुत बारी समझा चुकी हूँ, मैं 3 क्लासेस से प्रॉक्सिमस समझा रही हूँ, इसका मतलब स्पेस डिस्टेंसिंग होता है, लास्ट बारी सारे सुन लो, इसके अलावा और कुछ ना समझ रहा है, मतलब दिस इज माय लास्ट क्वेरी जो मैं ले रही हूँ प्रॉक्सिमस की, ठीक है, प्रॉक्सिमस का मतलब स्पेस डिस्टेंसिंग होता है, इसको आप, इट्स अ स्टडी ऑफ स्पेस, ठीक है, जो आपकी स्पेसेस है, तो आप इसको इस तरीके से समझो कि आप डिफरेंट लेवल या डिफरेंट स्पेसेस में कैसे बिहेव करते हो या कैसे कम्युनिकेट करते हो, आप अपने एक पार्टनर, आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ आप किसी और तरीके से कम्युनिकेट करोगे, ठीक है, आपका जो पर्सनल लेवल पे जो स्पेस है, ठीक है, एक इंटीमेट लेवल के ऊपर एक स्पेस होती है, एक पर्सनल लेवल पे स्पेस होती है, ठीक है, पर्सनल लेवल के ऊपर जो स्पेस है वहाँ पे आप अपने पेरेंट्स से कैसे कम्युनिकेट करते हो, अपने सिबलिंग्स से, अपने भाई बहनों से कैसे कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, वो स्पेस होती है, फिर हमारे पास एक सोशल स्पेस आती है कि हम आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव या कम्युनिकेट करते हो, या अपने कॉलीग्स के साथ कैसे बिहेव करते हो या कम्युनिकेट करते हो, फिर हमारे पास पब्लिक स्पेस आती है कि आप पब्लिकली बाकी सारे लोग स्ट्रेंजर्स के सामने कैसे बिहेव करते हो या कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, ठीक है, वो प्रॉक्सिमस होता है, ओके, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आपके आपके सिलेबस में नहीं है, हु इज आस्किंग व्हाट इज कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, नेटवर्क्स आपके पेपर में नहीं है, इट इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा का पूरा, ठीक है, ओके, तो दिस इज योर लास्ट क्लास, सो ऑल द बेस्ट, अगर और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मुझे मैसेज कर देना, लेकिन इतने सारे मैसेज मत करना कि मुझे लगे कि भाई तुम क्या पूछ रहे हो, मैं जो क्लास में करवा चुकी हूँ प्लीज उसे एक बार रिवाइज करो और फिर ही पूछना, ठीक है, इतने सिली सिली क्वेश्चन मत पूछना जो मैं बहुत बारी रिपीट कर चुकी हूँ, अगर कोई जेन्युइनली कोई क्वेरी है कि नहीं समझ आ रहा है एकदम ही तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है, ओके, बाय बाय.